उम्मीद है अजीज साथियों आप सब खैरियत से होंगी। सेशन का आगाज करते हैं। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, सुभानल्लाहि व बिहम्दिही अदद खल्क़िही व रिदा नफ्सिही व ज़िनत अर्शिही व मिदाद कलिमातिही, सुभानल्लाहि व बिहम्दिही सुभानल्लाहिल अज़ीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. بسم الله الرحمن الرحيم، رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي वजअली वज़ीरम मिन अहली आमीन। अजी साथियों आइए मिलकर दुआ पढ़ते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाहुम्मा आनिस वहशती फी कब्री, अल्लाहुम्मा रहमनी बिल कुरान अज़ीम, वजअलहुली इमामन व नूरन व हुदन व रहमा, अल्लाहुम्मा ज़क्किरनी मिनहुमा नसीत व अल्लिमनी मिनहुमा जहिलत, وارزقني تلاوته آناء الليل وأطراف النهار، واجعله لي حجة يا رب العالمين. اے اللہ دور فرما میری پریشانی میری قبر میں، اے اللہ رحم فرما مجھ پر قرآن عظیم کی برکت سے، اور بنا تو اس کو میرے لیے پیشوا روشنی ہدایت و رحمت، اے اللہ یاد دلا دے مجھ کو قرآن میں سے جو میں بھول گئی، اور سکھلا دے تو مجھ کو اس میں سے جو میں نہیں جانتی، और नसीब फरमा तू मुझे इसकी तिलावत रात के वक्त और दिन के वक्त, और बना इसको मेरे लिए हुज्जत ऐ रब्बुल आलमीन। आमीन सुम्मा आमीन। अजी साथियों जैसा कि आपको इल्म है हमारा जो मौजू है वो सीरत और हमारे मुआशरती रवैये है। हम लोग अल्हम्दुलिल्लाह 25वें पारे के 9 रुकू मुकम्मल कर चुके हैं। आज इंशाअल्लाह ताला हम आगे से शुरू करेंगे। आज की बहुत अहम सूरतें हैं, बहुत अहम वाकियात हैं नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मिशन को हमारे सामने खोल कर, और उसके लिए जो उन्होंने तकलीफ उठाई उसके हवाले से हमें बहुत बहुत गौर व फिक्र पर आमादा करने वाली सूरतें हैं। बहुत ध्यान से आज के सेशन को सुनिएगा। शुरू करते हैं। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। जो शख्स रहमान के जिक्र से तगाफुल बरतता है, हम उस पर एक शैतान मुसल्लत कर देते हैं और वो उसका रफीक बन जाता है। ये शैतान ऐसे लोगों को राह रास्त पर आने से रोकते हैं, और वो अपनी जगह ये समझते हैं कि हम ठीक जा रहे हैं। आखिरकार जब ये शख्स हमारे यहाँ पहुंचेगा तो अपने शैतान से कहेगा, काश मेरे और तेरे दरमियान मशरिक व मगरिब का बौद होता, तू तो बदतरीन साथी निकला। उस वक्त इन लोगों से कहा जाएगा कि जब तुम जुल्म कर चुके तो आज ये बात तुम्हारे लिए कुछ भी नाफे नहीं है कि तुम और तुम्हारे शयातीन अजाब में मुश्तरिक हैं। जी साथियों इसमें जो आयत है आयत 36, वमन याशु अन ज़िक्र रहमान नुक़य्यिद लहू शैतानन फहुवा लहू क़रीन, इसमें याश जो लफ्ज है ये बड़ा अहम है। इसके बुनियादी मानी अंधेरे की वजह से चीजों का वाजह नजर ना आना के हैं, और कभी यह लफ्ज महज अंधेरे के वक्त के लिए आ जाता है, और बामानी रात को नजर ना आना जिसे शब कोरी कहते हैं। और यहाँ यास से मुराद अमदन यानी जानबूझकर किसी चीज को देखने की कोशिश ना करना और आंखें बंद कर लेना है। यानी जो शख्स अल्लाह की याद से या उसकी तरफ से आई हुई नसीहत से या कुरान से आमदन बेनियाज रहना चाहता है, उस पर एक शैतान खुसूसी तौर पर मुसल्लत कर दिया जाता है जो हर वक्त उसके साथ रहता है और उसके दिल में वसवसे डालता है और अल्लाह की याद से गाफिल किए रखता है, हत्ता कि उसे दोजख तक पहुंचा के छोड़ता है। अच्छा साथियों ये चॉइस है, फिर रास्ते हमारे पास मौजूद है, हमें पता है सही रास्ता क्या है, हमें पता है कुरान के डूज एंड डोंट्स क्या है, अल्लाह ताला ने किस चीज से मना किया है, किसकी हिदायत की है, किसकी तरफ लाजिमन हमें पलट जाने का हुक्म दिया है, लेकिन फिर हमने क्या इख्तियार किया ये फिर हमारे ऊपर है।
और अगर हम जानबूझकर इस नसीहत को नहीं पकड़ते, जानबूझकर कुरान के साथ एक मजबूत ताल्लुक नहीं बनाते, उसके अहकामात को इस काबिल नहीं समझते अस्तग़फिरुल्लाह कि हम उनको अपनी जिंदगी का हिस्सा बनाएं, तो फिर अल्लाह ऐसा करता है कि शैतान को मुस्तकिल मुसल्लत कर देता है, इंसान फिर जा ही नहीं सकता उस रास्ते की तरफ जो अल्लाह को पसंद है। और इसमें जो अहम पॉइंट और है वो ये है कि ये शैतान जो हर वक्त उसके साथ लगा रहता है, कोई जिन भी हो सकता है और इंसान भी, और ये उसे किसी वक्त नेकी की तरफ या अल्लाह के रास्ते की तरफ नहीं आने देता, फिर लुत्फ की बात यह है कि उसकी ऐसी मत मारी जाती है कि उसमें नेकी और बदी की तमीज ही बाकी नहीं रहती, वो अपने अच्छे कामों को ही अच्छा समझने लगता है और उसे अपनी हर अपनी ये बदरवि और गुमराही ही सही राह मालूम होने लगती है। और ये कि अपने उस बुरे साथी को अपना हकीकी खैर खा समझ रहा होता है, मगर क्यामत को जब हमारे पास वो हाजिर होगा यानी अल्लाह ताला यहाँ पे जिस तरह से फरमा रहे हैं, तब जाकर उसे मालूम होगा कि वो उसका कैसा बुरा साथी था। फिर वो हसरत और गुस्से से उसे कहेगा, काश मेरे और तुम्हारे दरमियान जमीन और आसमान का फासला होता और मैं एक लम्हा भी तेरी सोहबत में ना गुजारता, आज तो कम अज कम मेरी आंखों से दूर हो जा, तू तो बहुत ही बुरा साथी है। आज इस बुरे साथी से बेजार होने का फायदा कुछ नहीं है, उसने जो काम करना था वो कर चुका और तुम्हें जहन्नम तक पहुंचा चुका। आज तो जैसे वो मुजरिम है वैसे ही तुम भी मुजरिम हो, ना उसके अजाब में कुछ कमी की जाएगी और ना तुम्हारे अजाब में, इस अजाब में दोनों बराबर के शरीक हो। दुनिया में तो कायदा है कि जिस मुसीबत में सब छोटे बड़े शरीक हों वो कुछ हल्की मालूम होने लगती है, मगर दोजख में ये सूरत भी ना होगी और सबका अजाब में शरीक होना किसी को कुछ फायदा ना दे सकेगा। इस तो ये बड़ा अहम नुकता है, दुनिया में जब एक मुसीबत आती है जो कि सब पर आ जाती है या एक मेजॉरिटी पर या एक ग्रोह पे आ जाती है, तो वो एक दूसरे के गम गुसार बन जाते हैं, मैं भी तो तकलीफ में हूं ना, तुम अपने दिल पर ज्यादा लो ना, इस चीज को ना लो। लेकिन क्यामत का जब वो अजाब होगा जो आखिरत में जहन्नम के अंदर होगा, उसमें हर इंसान अपनी तकलीफ में अकेला है, चाहे उसके इर्द गिर्द उसके जितने भी दोस्त हों, जितना भी उसको अपने इर्द गिर्द ऐसे महसूस या नजर आता हो देखता हो, वो तो रब ही जानता है वहां के पूरी तरह के हालात क्या होंगे, लेकिन असल में इंसान को कोई चीज हौसला नहीं दे सकेगी, उसकी हिम्मत नहीं बढ़ा सकेगी, उसको वो तकलीफ और वो अजाब सह जाने के लिए मजबूत नहीं कर सकेगी, वो पहले दिन से हमेशा तक, क्योंकि आखिर तो कोई नहीं फिर उसकी इल्ला ये कि अल्लाह अपनी रहमत से किसी को वहां से निकाल दे, किसी जो भी उसका मुसलमानों के साथ एक मामला होगा। इसलिए अहम बात यह है कि हम जरूर अल्लाह के जिक्र से तगाफुल बरतने वाले ना हो। आगे तर्जमा है, अब क्या नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तुम बहरों को सुनाओगे या अंधों और सरी गुमराही में पड़े हुए लोगों को राह दिखाओगे, अब तो हमें इनको सजा देनी है, हाँ तुम्हें दुनिया से उठा लें या तुमको आंखों से इनका वो अंजाम दिखा दें जिसका हमने उनसे वादा किया है, हमें इन पर पूरी कुदरत हासिल है, तुम बहरहाल इस किताब को मजबूती से थामे रहो जो वही के जरिए से तुम्हारे पास भेजी गई है, यकीनन तुम सीधे रास्ते पर हो। हकीकत यह है कि ये किताब तुम्हारे लिए और तुम्हारी कौम के लिए एक बहुत बड़ा शर्फ है और अनकरीब तुम लोगों को इसकी जवाबदेही करनी होगी। तुमसे पहले हमने जितने रसूल भेजे थे उन सब से पूछ देखो कि हमने खुदाए रहमान के सिवा किसी कुछ दूसरे माबूद भी मुकर्रर किए थे कि उनकी बंदगी की जाए। हमने मूसा अलैहिस्सलाम को अपनी निशानियों के साथ फिरौन और उसके आयान सल्तनत के पास भेजा और उसने जाकर कहा कि मैं रब्बुल आलमीन का रसूल हूं। फिर जब उसने हमें हमारी निशानियां उनके सामने पेश की तो वो ठट्ठे मारने लगे, हम एक पर एक ऐसी निशानी उनको दिखाते चले गए जो पहली से बढ़ चढ़ कर थी और हमने उनको अजाब में धर लिया ताकि वो अपनी रवि से बाज आ जाएं। हर अजाब के मौके पर वो कहते, ऐ साहिर अपने रब की तरफ से जो मनसब तुझे हासिल है उसकी बिना पर हमारे लिए उससे दुआ कर और हम जरूर राह रास्त पर आ जाएंगे, मगर जूं ही कि हम उन पर से अजाब हटा देते वो अपनी बात से फिर जाते थे। अजी साथियों, अगर हम अपने ऊपर एक नजर डालें तो ऐसे बहुत से वादे हम अपनी मुश्किलों में, जब हम वक्त मुश्किल तरीन हालात में चले जाते हैं तो बड़ी सख्त किस्म की आजमाइश हमारे ऊपर आ जाती है, तो ऐसे वादे हम भी अल्लाह से करते हैं, या अल्लाह तुम्हारे लिए आसानी कर दे, हम आइंदा तेरी नाफरमानी नहीं करेंगे। लेकिन जब अल्लाह उस मुश्किल को, उस आजमाइश को अपनी रहमत से, हमारी दुआएं कबूल करते हुए हटा देता है, तो हम फिर वो सारे वादे भूल जाते हैं और अपनी जो भी
जिंदगी का मामले होते हैं उनको पहले ही की तरह लेकर चलना शुरू कर देते हैं। आगे तर्जमा है, एक रोज फिरौन ने अपनी कौम के दरमियान पुकार कर कहा, लोगों क्या मिस्र की बादशाही मेरी नहीं है और ना और ये नहरें मेरे नीचे नहीं बह रही हैं? क्या तुम लोगों को नजर नहीं आता मैं बेहतर हूं, या ये शख्स जो जलीलो हकीर है और अपनी बात भी खोलकर बयान नहीं कर सकता, क्यों ना इस पर सोने के कंगन उतारे गए या फरिश्तों का एक दस्ता उसकी अर्दली में ना आया? उसने अपनी कौम को हल्का समझा और उन्होंने इसकी इताअत की, दर हकीकत वो थे ही फासिक लोग। आखिरकार जब उन्होंने हमें गजबनाक कर दिया तो हमने उनसे इंतकाम लिया और उनको इकट्ठा गर्क कर दिया और बाद वालों के लिए पेशरो और नमूना इबरत बनाकर रख दिया। ये अहम जुमला है, एक अहम आयत है अजीज साथियों के, यानी जो उस उनके अंजाम से सबक नहीं लेंगे उनके लिए वो फिर और उन्हीं की रविश पर चलें उनके लिए वो पेशरो हैं, उनके इमाम हैं, उनकी तकलीद करने वाले होंगे फिर वो लोग, और जो सबक लेने वाले हैं उनके लिए नमूना इबरत है। और अल्लाह कुरान में बार बार जो इन वाकियात को दोहराता है वो असल में यही चाहता है कि हम उन लोगों में शामिल हों जो नमूना इबरत से सबक लेने वाले हैं। अल्लाह ताला हमें ऐसे ही लोगों में शामिल करे। आगे तर्जुमा है, जूही के इब्ने मरियम की मिसाल दी गई, तुम्हारी कौम के लोगों ने उस पर हुल मचा दिया और कहने लगे कि हमारे माबूद अच्छे हैं या वो? अच्छा, ये भी अब उनका एक एतराज था, वो कहते थे कि अगर ईसाई मरियम अलैहिस्सलाम के बेटे को खुदा का बेटा करार देकर उसकी इबादत करते हैं तो फिर हमारे माबूद क्या बुरे हैं, यानी हमारे ही चीज के ऊपर फिर क्यों एतराज किया जाता है? ये उनकी तरफ से एक एतराज रखा जाता था जिसकी फिर आगे जवाब दिया जा रहा है। तर्जुमा है, इब्ने मरियम अलैहिस्सलाम इसके सिवा कुछ ना था कि एक बंदा था जिस पर हमने इनाम किया और बनी इसराइल के लिए अपनी कुदरत का एक नमूना बना दिया। हम चाहे तो तुम में से फरिश्ते पैदा कर दें जो जमीन में तुम्हारे जानशीन हो और वो दरअसल कयामत की एक निशानी है, बस तुम उसमें शक ना करो और मेरी बात मान लो, यही सीधा रास्ता है। ऐसा ना हो शैतान तुमको उससे रोक दे कि वो तुम्हारा खुला दुश्मन है। और जब ईसा सरीह निशानियां लिए हुए आया था तो उसने कहा था कि मैं तुम लोगों के पास हिकमत लेके आया हूँ और इसलिए आया हूँ कि तुम पर बाज उन बातों की हकीकत खोल दूं जिसमें तुम इख्तलाफ कर रहे हो। लिहाजा तुम अल्लाह से डरो और मेरी इताअत करो। हकीकत यह है कि अल्लाह ही मेरा रब भी है और तुम्हारा रब भी, उसी की तुम इबादत करो, यही सीधा रास्ता है। मगर उसकी साफ तालीम के बावजूद ग्रोहों ने आपस में इख्तलाफ किया, बस तबाही है उन लोगों के लिए जिन्होंने जुल्म किया एक दर्दनाक दिन के अजाब से। क्या ये लोग अब बस इसी चीज के मुंतजर हैं कि अचानक उन पर कयामत आ जाए और उन्हें खबर भी ना हो? वो दिन जब आएगा तो मुत्तकीन को छोड़कर बाकी सब दोस्त एक दूसरे के दुश्मन बन जाएंगे। ये बहुत अहम बात है अजीज साथियों के, कयामत के दिन सिर्फ वो दोस्ती बरकरार रहेगी जिसकी बुनियाद तकवा पर होगी और जिन्होंने सिर्फ अल्लाह की खातिर और अल्लाह के दीन की खातिर एक दूसरे से दुनिया में दोस्ती रखी होगी। बाकी सब किस्म की दोस्तियां दुश्मनी में तब्दील हो जाएंगी। और ऐसी दोस्तियां भी कई किस्म की होती हैं, मसलन मुशरिकों की अपने बुतों से मोहब्बत और आपस में दोस्ती, इस्लाम के खिलाफ मुतहिदा महाज बनाने में हर किस्म के काफरों से दोस्ती, मुजरमों की मुजरमों से जैसे डाकुओं की डाकुओं से दोस्ती, दुनियावी मुफादात की खातिर दोस्ती, ऐसी सब दोस्तियां और रिश्ते ना सिर्फ ये कि मुनक़ता हो जाएंगे बल्कि ये सब एक दूसरे के दुश्मन बन जाएंगे और सब एक दूसरे पर ये इल्जाम धरेंगे कि फलां मेरी गुमराही का बाइस बना और फलां अपने साथ मुझे भी ले डूबा। और ये चीज अब मुस्तकिल पीछे आयात में सूरतों में हम देखते चले आ रहे हैं। आगे तर्जुमा है, उस रोज उन लोगों से जो हमारी आयात पर ईमान लाए थे और मती फरमान बनकर रहे थे कहा जाएगा कि ऐ मेरे बंदो, आज तुम्हारे लिए कोई खौफ नहीं और ना तुम्हें कोई गम लाहक होगा, दाखिल हो जाओ जन्नत में, तुम और तुम्हारी बीवियां, तुम्हें खुश कर दिया जाएगा। ये बड़ी खूबसूरत बात है, यानी वो लोग जिन्होंने तकवा की बिना पर दोस्ती रखी होगी, नेकी के कामों में एक दूसरे से तआवुन किया होगा, अल्लाह के दीन के क्याम की खातिर आपस में मुश्तरिका कोशिशें की होंगी, दीन के रिश्ते को सब रिश्तों और मोहब्बतों से मुकद्दम समझा होगा, ऐसे बंदों के लिए अल्लाह ताला की तरफ से ऐलान आम होगा कि आज कियामत के दिन तुम्हें किसी परेशानी का खौफ नहीं रखना चाहिए और उन्हें अपनी साबका जिंदगी पर कुछ मलाल भी ना होगा, इसलिए कि उन्होंने दुनिया में अपनी जिंदगी अल्लाह की फरमा बरदारी में गुजारी थी। दुनिया में उन्होंने जितनी तकलीफें उठा ली अपनों से या गैरों से अल्लाह के दीन पर जमे रहने के लिए
अल्लाह के दीन को आगे दूसरों तक पहुंचाने के लिए, दावा का काम करने के लिए उन्होंने जितनी बातें सुननी थी, जितनी तकलीफें उठानी थी, जितने खौफ उनकी जिंदगी में थे और जितनी आप कह लें कि कोई परेशानी थी, हर चीज, कोई गम था जो उन्होंने उठाया, वो हर चीज खत्म हो जाएगी वहां पे। सिर्फ और सिर्फ उनके लिए खूबसूरत जन्नतें होंगी, अल्लाह और उसके फरिश्ते उसके इस्तकबाल करेंगे। और आगे इंशाल्लाह भी हम देख रहे हैं, देखते हैं कि क्या खूबसूरत मनाजिर हैं जो जन्नतों के हमारे सामने पेश किए जा रहे हैं। और अजवाज का जो लफ्ज है वो भी बहुत अहम है, थोड़ी सी बात पहले आ गई है। अजवाज से मुराद ज़ाहिर है बीवियां भी हैं और ऐसे लोग भी जो किसी शख्स के हमजोली और हम जमात हों। ये वसी उलमाना लफ्ज इसीलिए इस्तेमाल किया गया ताकि इसके मफहूम में दोनों दाखिल हो जाएं, अहले ईमान की मोमिन बीवियां भी उनके साथ होंगी और उनके मोमिन दोस्त भी जन्नत में उनके रफीक होंगे। खूबसूरत बात है अजीज साथियों, वो लोग जो ना रिश्तेदार हैं, ना वो एक दूसरे को जानते हैं, ना उन्होंने कभी एक दूसरे को देखा है, लेकिन आज जैसे अल्हम्दुलिल्लाह हम यहाँ पर हम हमारे साथ कोई पाकिस्तान से जुड़ा हुआ है, कोई इंग्लैंड से है, कोई फ्रांस से है, कोई कहीं से और कहीं से हमारे साथ जुड़ा हुआ है, हम सब जब खालिस नियत के साथ अल्लाह के दीन के लिए काम करने वाले हैं तो इंशाल्लाह क़यामत वाले दिन अल्लाह ताला हमें अपनी रहमत से जन्नतों में दाखिल करेगा और हम एक दूसरे के खूबसूरत रफीक बन के, एक दूसरे के सदा बहार साथी बन जाएंगे। बहुत खूबसूरत एक हदीस है, क़यामत के दिन खुदाए रहमान के दाहिने जानिब कुछ ऐसे लोग होंगे जो ना तो नबी हैं और ना शहीद, मगर उनके चेहरों का नूर देखने वालों की नजर को खीरा कर रहा होगा। उनके बुलंद मकाम और ऊंचे मर्तबे को देख देख कर नबी और शहीद खुश हो रहे होंगे। लोगों ने पूछा, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये कौन लोग होंगे? फरमाया, ये मुख्तलिफ कबीलों और मुख्तलिफ बस्तियों के लोग होंगे जो दुनिया में इस्लाम लाए और कुरान समझने और सिखाने और अल्लाह को याद करने के लिए इकट्ठा होते थे। इस तरह ये लोग बेहतरीन पाकीजा बातें चुनते थे, जिस तरह खजूर खाने वाला अच्छी और लजीज खजूरें चुनता है। ये वो लोग होंगे जो खुदा ही के लिए आपस में मोहब्बत करने वाले हैं और अपने खुदा को याद करने के लिए इकट्ठे होते हैं। ये बहुत खूबसूरत हमारे लिए एक बिशारत है अजीज साथियों, अल्लाह के दीन के लिए जुट जाने वाले लोग, अपने तन मन धन लगा देने वाले लोग, इंशाल्लाह ये लोग क्यामत वाले दिन भी अल्लाह की रहमतों के सजावार होंगे। खूबसूरत जिक्र है जन्नत का, तर्जुमा है, उनके आगे सोने के थाल और सागर गर्दिश कराए जाएंगे और हर मन भाती और निगाहों को लज्जत देने वाली चीज वहां मौजूद होगी। उनसे कहा जाएगा, तुम अब यहाँ हमेशा रहोगे, तुम इस जन्नत के वारिस हो अपने उन आमाल की वजह से जो तुम दुनिया में करते रहे। तुम्हारे लिए यहाँ बकसरत फवाका मौजूद है, यानी ये मेवे मौजूद हैं जिन्हें तुम खाओगे। क्या खूबसूरत इनामात हैं। दिल चाहता है कि इंसान इस शहर से बाहर निकले, लेकिन अजीज साथियों यहाँ तक पहुंचने के लिए फिर बड़ा मुजाहिदा चाहिए, बड़ी रियाजत चाहिए, बड़ा कुछ दुनिया का छोड़ना पड़ता है, बड़ी कुर्बानियां देनी पड़ती हैं, बड़ा अपने नफ्स पे पांव रखना पड़ता है, अल्लाह के दीन को पकड़ना पड़ता है, अल्लाह के दीन को लेके आगे दूसरों तक पहुंचाने के लिए जिद्दोजहद करनी पड़ती है, ऐसे लोगों का साथी बनना पड़ता है। और फिर एक इज्तमाईत के अंदर रह के जो काम हम कर सकते हैं वो हम अकेले नहीं कर सकते अजीज साथियों। हल्का नूरुल ईमान अल्हम्दुलिल्लाह खूबसूरत इज्तमाईत है, खूबसूरत मौका फराहम करता है कि आए मिलकर हमारे साथ जुड़ के दीन का काम करें। इंशाल्लाह अल्लाह ताला हमारी कोशिशों में बरकत भी डालेगा, अल्लाह ताला हमें वो वसाइल और ज्यादा आपकी शक्ल में फराहम करेगा और हम दीन के काम को और खूबसूरत अंदाज में कर सकेंगे। एक बड़ी प्यारी बात है, इमाम इब्ने कय्यम फरमाते हैं कि अपने दोस्त दोस्त चुन लो। अल्लाह को हरगिज ये मंजूर नहीं कि वो लोगों को अलहदा अलहदा जन्नत में दाखिल करे, बस दोस्त अहबाब साथ साथ ही जन्नत में जाएंगे। तर्जुमा है, रहे मुजरमीन तो वो हमेशा जहन्नम के अजाब में मुब्तला रहेंगे, कभी उनके अजाब में कमी ना होगी, वो इसमें मायूस पड़े होंगे, उन पर हमने जुल्म नहीं किया बल्कि वो खुद ही अपने ऊपर जुल्म करते रहे। वो पुकारेंगे, ए मालिक तेरा रब हमारा हमारा काम ही तमाम कर दे तो अच्छा है। मौत मांगेंगे जहन्नम के दारोगा जिसका नाम मालिक है, उससे बेबसी की और तड़पने की और तकलीफ की और अजियत की एक इंतहा पर जाके वो उससे कहेंगे कि हमारा काम ही तमाम कर दो खुदा के वास्ते, अल्लाह से को हमें खत्म ही कर दे। वो जवाब देगा, तुम यूं ही पड़े रहोगे, हम तुम्हारे पास हक लेकर आए थे मगर तुम में से अक्सर को हक ही नागवार था। अस्तग़फिरुल्लाह साथियों, यानी हमने हकीकत तुम्हारे सामने खोल कर रख दी मगर तुम हकीकत की बजाय अफसानों के दिल दादा थे और सच्चाई तुम्हें सख्त नागवार थी।
बात तो यही है, कुरान हमारे सामने कितना खोलकर अपना पैगाम रख रहा है अजीज साथियों। कौन सी चीज है, कौन सा पहलू है जो अल्लाह ताला इस कुरान के जरिए हमारे ऊपर वाजह नहीं करते? अब ये हमारे ऊपर, हम कितनी तड़प के साथ इस कुरान के साथ जुड़ते हैं और कितनी तड़प के साथ अपनी इसलाह करते हैं और कितनी गौर व फिक्र के साथ अपनी आखिरत की तैयारी के लिए कदम आगे बढ़ाते हैं। आगे तर्जमा है, क्या इन लोगों ने कोई इकदाम करने का फैसला कर लिया? अच्छा, तो हम भी फिर एक फैसला किए लेते हैं। क्या उन्होंने ये समझ रखा है कि हम उनकी राज की बातें और उनकी सरगोशियां सुनते नहीं है? हम सब कुछ सुन रहे हैं और हमारे फरिश्ते उनके पास ही लिख रहे हैं। यानी जो उनकी खुफिया तदबीरों की नाकामी की असल वजह ये थी कि जिन्हें वो अपनी खुफिया तदबीरें समझते थे वो खुफिया नहीं होती थी। हम उनके सब खुफिया मशवरे, उनकी बाहमी गुफ्तगु, उनकी साजिशें सब कुछ देख और सुन रहे होते हैं और फिर हमारे फरिश्ते ये सब कुछ रिकॉर्ड भी करते जाते हैं जो क्यामत के दिन हम उनके सामने ला रखेंगे। जैसा कि नजवा का लफ्ज इस्तेमाल किया गया, और ये वो सरगोशियां हैं जो इस्लाम के खिलाफ की जाती हैं या कहीं इस्लाम की जो कोशिश हो रही होती हैं उसमें आपस में कोई जब ग्रोह बंदियां हो जाती हैं या आपस में जब कोई प्लानिंग्स की जा रही होती हैं, तो कुरान कहता है, अल्लाह ताला हमें बताते हैं कि वो चीजें, वो सरगोशियां, वो प्लानिंग्स छुपी नहीं होती हैं। अल्लाह सब देख रहा होता है, इंसानों को पता चले ना चले, इंसानों पर भी बहरहाल चीजें खुल जाती हैं, चीजें अल्लाह कहीं ना कहीं जाके खोल ही देता है, वो सोचें सामने आ जाती हैं, वो प्लानिंग्स भी सामने आ जाती हैं। इसी तरह जब अपनी अपनी घरेलू जिंदगी में जब हम लोग साजिशें कर रहे होते हैं कोई घरों को तोड़ने की, कोई दिलों को खराब करने की, कोई एक दूसरे के दिलों में बुग़्ज़ और खुदूरत पैदा करने की, और जब हम इस तरह की प्लानिंग्स कर रहे होते हैं तो हमें याद रखना चाहिए, जब हम गिबतें कर रहे होते हैं, जब हम एक दूसरे के साथ की हक तलफी कर रहे होते हैं, तो हमें याद रखना चाहिए कि हमारी सोचें, हमारी प्लानिंग्स, हमारी साजिशें, हमारी सरगोशियां छुपी हुई नहीं है। अल्लाह सब कुछ जानता है, अल्लाह सब कुछ जानता है। और ये वो चीज है कि जब तक इंसान के अंदर ये एहसास पैदा ना हो कि अल्लाह जानता है, ये जो मेरे और आपके दाएं और बाएं फरिश्ते बैठे हैं, मुस्तकिल बैठे हैं, जो लम्हे को भी हमसे गाफिल नहीं होते, इनके कलम चल रहे हैं, हमारी सोचें भी लिख रहे हैं, हमारे हमारे अमाल भी इनके रिकॉर्ड में दर्ज होते जा रहे हैं, हमारी प्लानिंग्स, हमारी सरगोशियां और साजिशें सब सब हमारे सामने आ मौजूद होगा। हमें इस बात को याद रखना चाहिए। आगे तर्जुमा है, इनसे कहो, अगर वाकई रहमान की कोई औलाद होती तो सबसे पहले इबादत करने वाला मैं होता। पाक है आसमान और जमीन का फरमा रवा, अर्श का मालिक, उन सारी बातों से जो ये लोग उसकी तरफ मनसूब करते हैं। अच्छा, इन्हें अपने बातिल ख्यालात में गर्क और अपने खेल में मुनहमिक रहने दो, यहां तक कि ये अपना वो दिन देख लें जिसका उन्हें खौफ दिलाया जा रहा है। वही एक आसमान में भी खुदा है और जमीन में भी खुदा, और वही हकीम व अलीम है, बहुत बाला और बरतर है वो, जिसके कब्जे में जमीन और आसमानों और हर उस चीज की बादशाही है जो जमीनों और आसमान के दरमियान पाई जाती है, और वही क्यामत की घड़ी का इल्म रखता है, और उसी की तरफ तुम सब पलटाए जाने वाले हो। उसको छोड़कर ये लोग जिन्हें पुकारते या वो किसी शफात का इख्तियार नहीं रखते इल्ला ये कि कोई इल्म की बिना पर हक की शहादत दे। ये अहम नुक्ता है, शफात जो है अजीज साथियों, इसमें पहली बात तो ये है, पॉइंट जो पहला पॉइंट है वो ये है कि एक ये कि लोगों ने जिन जिनको दुनिया में माबूद बना रखा है, जिनको हम जाके यानी हम में से बहुत से लोग हैं जो जिन्होंने पीर जो पीरों को मानने वाले हैं या इस तरह की सारी चीजें जिंदगी में लेके चल रहे हैं, वो सब अल्लाह के हुजूर शफात करने वाले नहीं हैं। इनमें से जो गुमराह और बदराह थे वो तो खुद वहां मुजरिम की हैसियत से पेश होंगे। दूसरी बात यह है कि जिन्हें शफात करने का इख्तियार हासिल होगा वो भी सिर्फ उन लोगों की शफात कर सकेंगे जिन्होंने दुनिया में जान बूझ कर ना कि गफलत और बेखबरी के साथ हक की शहादत दी हो। किसी ऐसे शख्स की शफात वो खुद करेंगे ना करने के मजाज होंगे जो दुनिया में हक से बरगश्ता रहा था या बेच सोचे समझे अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह भी कहता रहा और दूसरे इलाहों की बंदगी भी करता रहा। जब हम शफात का के अकीदे के हवाले से सोचते हैं तो ये बात बड़ी वाजे होनी चाहिए कि मैं किस अकीदे को लेके चल रहा हूँ। क्या मैं वाकई ला इलाहा इल्लल्लाह के मुताबिक जिंदगी गुजार रही हूं या मेरी अपनी ही एक डगर है जिसके ऊपर मैं चल रही हूं? अगर मैं वाकईतन ला इलाहा इल्लल्लाह के का फहम रखती हूं, मैं समझती हूं कि नहीं कोई माबूद सिवाय अल्लाह का
इसका मतलब क्या है और मुझे असल में किस रास्ते पे चलना है और कुरान को किस मजबूती से पकड़ने की मुझे जरूरत है, अगर मैं इन बातों को समझती हूँ फिर तो इंशाल्लाह अल्लाह ताला की तौफीक से, अल्लाह ताला की रहमत से मेरी शफात भी हो सकती है, हो जाएगी। लेकिन अगर मेरे अपने ही कुछ रास्ते हैं तो फिर ये तवक्को रखना अबस है। तीसरा पॉइंट ये है कि कोई शख्स अगर ये कहता है कि उसने जिनको माबूद बना रखा है वो लाजिमन शफात के इख्तियार रखते हैं और उन्हें अल्लाह ताला के यहाँ ऐसा जोर हासिल है कि जिसे चाहे बख्शवा लें, कतई नजर इससे कि उनके आमाल और अकायद कैसे ही हों, तो वो गलत कहता है। और इसमें जो उसूल हमें मिलता है वो ये है कि इल्म के बगैर हक की शहादत देना चाहे दुनिया में मोतबर हो मगर अल्लाह के यहाँ मोतबर नहीं है। दुनिया में तो जो शख्स कलमा शहादत जुबान से अदा करेगा हम उसको मुसलमान मान लेंगे और उसके साथ मुसलमानों का सा मामला करते रहेंगे, लेकिन अल्लाह के यहाँ सिर्फ वही शख्स ईमान अहले ईमान में शुमार होगा जिसने अपनी बिसाते इल्म और अकल की हद तक ये जानते और समझते हुए ला इलाहा इल्लल्लाह कहा हो कि वो किस चीज का इनकार और किस चीज का इकरार कर रहे। शऊरी ईमान फिर जिसके साथ अमल भी हो वो असल में अल्लाह के यहाँ काबिले कबूल है। दूसरा कोई ईमान अल्लाह को ना मतलूब है और ना उसके लिए उसके यहाँ मकबूल है। तर्जुमा है, और अगर तुम इनसे पूछो कि नहीं किसने पैदा किया तो ये खुद कहेंगे कि अल्लाह ने, फिर कहाँ से ये धोखा खा रहे हैं। कसम है रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इस कॉल की कि अरब ये वो लोग हैं जो मानकर नहीं देते। अच्छा है नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इनसे दरगुजर करो और कह दो कि सलाम है तुम्हें, अनकरीब इन्हें मालूम हो जाएगा। सूरत ज़ुख़रुफ़ अल्हम्दुलिल्लाह मुकम्मल हुई, सूरत दुखान को शुरू करते हैं। इसका जो तारीखी पस मंजर है वो कुछ इस तरह से है कि कुफारे मक्का की मुखालफाना रविश शदीद से शदीद तर होती चली जा रही थी। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुआ की कि खुदाया यूसुफ अलैहिस्सलाम के कहत जैसे कहत से मेरी मदद फरमा। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ख्याल ये था कि जब इन लोगों पर मुसीबत पड़ेगी तो इन्हें खुदा याद आएगा और इनके दिल नसीहत कबूल करने के लिए नरम पड़ जाएंगे। अल्लाह ताला ने आपकी दुआ कबूल फरमाई और सारे इलाके में ऐसा जोर का कहत पड़ा कि लोग बिलबिला उठे। आखिरकार बाज सरदारान कुरैश जिसमें हजरत अब्दुल्ला बिन मसूद ने खास तौर पर अबू सुफियान का नाम लिया, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आए और आपसे दरख्वास्त की कि अपनी कौम को इस बला से निजात दिलाने के लिए अल्लाह से दुआ करें। यही मौका है जब अल्लाह ताला ने यह सूरत नाजिल फरमाई। अब यहाँ पे थोड़ा सा वही अभी जो पीछे हमने हजरत मूसा और उनकी कौम का मामला पढ़ा है कि जब भी कोई अजाब आता था तो वो जाके दुआ करवाते थे और उसके बाद फिर अपनी किए पर पलट जाते थे। ऐसा ही कुछ मामला मुशरिकीन का या कुफार का भी अभी हम देखते हैं। शुरू करते हैं बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हामीम, कसम है इस किताब मुबीन की कि हमने इसे खबर एक बड़ी खैर बरकत वाली रात में नाजिल किया है क्योंकि हम लोगों को मुतनब्बे करने का इरादा रखते थे। अजीज साथियों, ये जो रात है यहाँ पर जो कसम खाई गई है वो ये है कि इस किताब के मुसन्निफ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नहीं है बल्कि हम है और इसका सबूत कहीं और ढूंढने की जरूरत नहीं है। खुद ये किताब ही इसके सबूत के लिए काफी है। इस किताब को जो भेजने का मकसद है वो ये है कि हम गफलत में पड़े हुए लोगों को मुतनब्बे करें। और यहाँ पर जो रात है इससे वही रात मुराद है जिसे सूरह कद्र में लैलतुल कद्र कहा गया है। वहां फरमाया गया इन्ना अंजलनाहु फी लैलतिल क़द्र और यहाँ फरमाया गया है कि इन्ना अंजलनाहु फी लैलतिल मुबारक, यानी ये वही रात है जिसको लैलतुल क़द्र कहा जाता है। आगे तर्जमा है, ये वो रात थी जिसमें हर मामले का हकीमाना फैसला हमारे हुक्म से सादिर किया जाता है। हम एक रसूल भेजने वाले थे तेरे रब की रहमत के तौर पर, यकीनन वही सब कुछ सुनने और जानने वाला है, आसमानों और जमीन का रब और हर उस चीज का रब जो आसमान और जमीन के दरमियान है, अगर तुम लोग वाकई यकीन रखने वाले हो। अजीज साथियों, की जो रात है लैलतुल कद्र है इसके हवाले से आता है कि उस रात मलाइका और जिब्राइल अपने रब के इज़्ज़न से हर तरह का हुक्म लेकर उतरते हैं। इससे मालूम हुआ जिसे ये जैसे सूरत कद्र के अंदर है ना, तनज़्ज़ुलुल मलाइकातु वर्रूहु फीहा बिइज़्नि रब्बिहिम मिन कुल्लि अम्र, इससे मालूम हुआ कि अल्लाह ताला के शाही नज्म व नस्क में ये एक ऐसी रात है जिसमें वो अफराद और कौमों और मुल्कों की किस्मतों के फैसले करके अपने फरिश्तों के हवाले कर देता है और फिर वो इन्हीं फैसलों के मुताबिक अमल दरामद करते रहते हैं। ये इस रात की खुसूसियत है। आगे तर्जमा है, कोई माबूद उसके सिवा नहीं है, वही जिंदगी अता करता है और वही मौत देता है। तुम्हारा रब और तुम्हारे उन असलाफ का रब जो पहले गुजर चुके हैं,
मगर फिर वाकई इन लोगों को यकीन नहीं है, बल्कि ये अपने शक में पड़े खेल रहे हैं। तर्जमा आगे है कि अच्छा इंतजार करो उस दिन का जब आसमान सरी धुआं लिए हुए आएगा और वो लोगों पर छा जाएगा, ये है दर्दनाक सजा। अच्छा साथियों, इस धुआं के हवाले से बहरहाल इख्तलाफ है मुफस्सरीन के अंदर। एक हदीस है, मैं आपको सुना देती हूँ, इसे बुखारी ने और तिर्मिजी, निसाई, इब्न जरीर, इब्न अबी हातिम सब ने इसे रवायत किया है। इस तरह से है कि हजरत अब्दुल्ला बिन मसूद रजी अल्लाह ताला अन्हु के मशहूर शागिर्द मसरूक कहते हैं कि एक रोज हम कूफे की मस्जिद में दाखिल हुए तो देखा कि एक वाज लोगों के सामने तकरीर कर रहा है। उसने आयत यौमा तअतिस्समाउ बिदुखान मुबीन पढ़ी, फिर कहने लगा जानते हो ये कैसा धुआं है, ये धुआं क्यामत के रोज आएगा और कुफार और मुनाफिकीन को अंधा बहरा कर देगा, मगर अहले ईमान पर उसका असर बस इस कदर होगा कि जैसे जुकाम लाहक हो गया हो। उसकी ये बात सुनकर हम हजरत अब्दुल्ला बिन मसूद के पास गए और उनसे वाज की ये तफसीर बयान की। हजरत अब्दुल्ला लेटे हुए थे, ये तफसीर सुनकर घबरा के उठ बैठे और कहने लगे कि आदमी को इल्म ना हो तो उसे जानने वालों से पूछ लेना चाहिए। असल बात यह है कि जब कुरैश के लोग इस्लाम कबूल करने से इनकार और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुखालफत करते ही चले गए तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुआ की कि खुदा यूसुफ अलैहिस्सलाम के कहत जैसे कहत से मेरी मदद फरमा। चुनाचे ऐसा शदीद काल पड़ा कि लोग हड्डियां और चमड़ा और मुर्दार तक खा गए। उस जमाने में हालत यह थी कि जो शख्स आसमान की तरफ देखता था उसे भूख की शिद्दत में बस धुआं ही धुआं नजर आता था। आखिरकार अबू सुफियान ने आकर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहा कि आप तो सिला रहमी की दावत देते हैं, आपकी कौम भूखों मर रही है, अल्लाह से दुआ कीजिए कि इस मुसीबत को दूर कर दे। यही जमाना था जब कुरैश के लोग कहने लगे थे कि खुदाया हम पर से यह अजाब दूर कर दे तो हम ईमान ले आएंगे। इसी वाक्य का जिक्र इन आयात में किया गया और बड़ी जरब से मुराद वो जरब है जो आखिरकार जंगे बदर के रोज कुरैश को लगाई गई थी। आगे तर्जमा है, अब कहते हैं कि परवरदिगार हम पर से ये अजाब टाल दे, हम ईमान लाते हैं, उनकी गफलत कहाँ दूर होती है। उनका हाल तो ये है कि इनके पास रसूल मुबीन आ गया फिर भी ये उसकी तरफ मुल्तफित ना हुए और कहा कि ये तो सिखाया पढ़ाया बाउला है, अस्तग़फिरुल्लाह हम जरा अजाब हटाए देते हैं, तुम लोग फिर वही कुछ करोगे जो पहले कर रहे थे। जिस रोज हम बड़ी जरब लगाएंगे वो दिन होगा जब हम तुमसे इंतकाम लेंगे। जी साथियों, कितना सख्त अल्लाह ताला के अल्फाज है यहाँ पे, इन्ना मुंतकिमून, हम इंतकाम लेंगे। हम इंसान दुनिया में इंसानों के इंतकाम से डरते हैं, हमें डर लगता है कि कोई हमारे साथ, खासतौर पर वो जो जोर आवर होते हैं, कि हमसे कोई इंतकाम ना ले लें। लेकिन हमें अल्लाह की नाफरमानी और सरकशी और अपने नफ्स की, अपनी नफ्स परस्ती करते हुए इस बात से डर नहीं लगता कि पता नहीं अल्लाह फिर हमारे साथ आखिर में क्या मामला करेगा। बड़ी एक प्यारी सी बात है कि खुद परस्ती से निकलोगे तो खुदा परस्ती तक पहुंचोगे। तर्जमा है, हमने इनसे पहले फिरौन की कौम को इसी आजमाइश में डाल हम इनसे पहले फिरौन की कौम को इसी आजमाइश में डाल चुके हैं। उनके पास एक निहायत शरीफ रसूल आया और उसने कहा अल्लाह के बंदों को मेरे हवाले करो, मैं तुम्हारे लिए एक अमानतदार रसूल हूँ, अल्लाह के मुकाबले में सरकशी ना करो, मैं तुम्हारे सामने अपनी मामूरियत की सरी सनद पेश करता हूँ और मैं अपने रब और तुम्हारे रब की पनाह ले चुका हूँ इससे कि तुम मुझ पर हमला आवर हो। अगर तुम मेरी बात नहीं मानते तो मुझ पर हाथ डालने से बाज रहो। आखिरकार उसने अपने रब को पुकारा कि ये लोग मुजरिम है। जवाब दिया गया अच्छा तो रातों रात मेरे बंदों को लेकर चल पर, तुम लोगों का पीछा किया जाएगा, समंदर को उसके हाल पर खुला छोड़ दे, ये सारा लश्कर गर्क होने वाला है। कितने ही बाग और चश्मे और खेत और शानदार महल थे जो वो छोड़ गए, कितने ही ऐश के सर्व सामान जिन वो मजे कर रहे थे उनके पीछे धरे रह गए, ये हुआ उनका अंजाम और हमने दूसरों को इन चीजों का वारिस बना दिया। अस्तग़फिरुल्लाह, फिर ना आसमान उन पर रोया और ना जमीन, और जरा सी मोहलत भी उनको ना दी गई। अजी साथियों, आज हम भी अगर अपने इर्द गिर्द जो एक दौड़ है उसको देखें तो हम भी दौलत कमाने में, महल बनाने में, बड़े बड़े घर, विले और कोठियां, और जो हम जितनी हद तक हम जा सकते हैं हम बनाने की कोशिश करते हैं, और ये वो सब चीजें हैं जो हम अपने वारसों के लिए छोड़ के इस दुनिया से चले जाते हैं। और वहां पे फिर बात यह है, इंसान अपने साथ लेके क्या गया, क्या क्या नेक अमाल थे जो वो अपने साथ समेट कर आखिरत में अल्लाह के हुजूर हाजिर हुआ, और फिर क्या वो अमाल ऐसे थे
या फिर यह है कि उसके पास ऐसे अमाल थे जो अल्लाह को गजबनाक करने वाले थे, क्योंकि इंसान जब दौलत की दौड़ में जाता है बहुत माजरत, जब इंसान दौलत की दौड़ में जाता है साथियों, तो फिर वो हलाल और हराम और सही और गलत की तमीज से बहुत आगे निकल जाता है, और ये तमीज जब उससे छिन जाती है तो फिर उसके लिए फिर अल्लाह का गजब जो है वो उसका हकदार बन जाता है। आगे तर्जुमा है, इस तरह बनी इसराइल को हमने सख्त जिल्लत के अजाब फिरौन से निजात दी, जो हद से गुजर जाने वालों में फिल वाके बड़े ऊंचे दर्जे का आदमी था, और उनकी हालत जानते हुए उनको दुनिया की दूसरी कौमों पर तरजीह दी, और उन्हें ऐसी निशानियां दिखाई जिनमें सरी आजमाइश थी। ये लोग कहते हैं, यानी मक्का वाले, हमारी पहली मौत के सिवा और कुछ नहीं, उसके बाद हम दोबारा उठाए जाने वाले नहीं है, अगर तुम सच्चे हो तो उठा लाओ हमारे बाप दादा को, ये बेहतर है या तुब्बा की कौम और उससे पहले के लोग। तुब्बा जो ये जो कौम थी, ये कबीला हमीर के बादशाहों का लकब था अजीज साथियों। तुब्बा जो था, जैसे किसरा, कैसर, फिरौन वगैरह अलकाब मुख्तलिफ ममालिक के बादशाहों के लिए मखसूस रहे हैं, ये जो कौम थी ये कौम सबा की एक शाख से ताल्लुक रखने वाले लोग थे। तर्जुमा है, और उससे पहले के लोग, हमने इनको इसी बिना पर तबाह किया कि वो मुजरिम हो गए थे, ये आसमान और जमीन और इनके दरमियान की चीजें हमने कुछ खेल के तौर पर नहीं बना दी है, इनको हमने बरहक पैदा किया, मगर अक्सर लोग जानते नहीं हैं, इन सबके उठाए जाने के लिए तयशुदा वक्त फैसले का दिन है, वो दिन जब कोई अजीज से करीब, वो दिन जब कोई अजीज करीब अपने किसी अजीज करीब के कुछ भी काम ना आएगा और ना कहीं से उन्हें कोई मदद पहुंचेगी सिवाय इसके कि अल्लाह ही किसी पर रहम करे, वो जबरदस्त और रहीम है। यहाँ पे जो लफ्ज इस्तेमाल हुआ है मौला का हुआ है जी साथियों, अरबी जुबान में ऐसे शख्स के लिए बोला जाता है जो किसी ताल्लुक की बिना पर दूसरे शख्स की हिमायत करे, कता नजर इससे कि वो रिश्तेदारी का ताल्लुक हो या दोस्ती का या किसी और किस्म का। इस हवाले से सूरत आबासा जो है ये हमारे सामने एक नक्शा खींचती है अजीज साथियों। अल्लाह ताला फरमाते हैं, आखिरकार जब वो कान बहरे कर देने वाली आवाज बुलंद होगी, उस रोज आदमी अपने भाई और अपनी माँ और अपने बाप और अपनी बीवी और अपनी औलाद से भागेगा, और इनमें से हर शख्स पर उस दिन ऐसा वक्त आ पड़ेगा कि उसे अपने सिवा किसी का होश ना होगा। कुछ चेहरे उस रोज दमक रहे होंगे, हशाश बशाश और खुशो खुर्रम होंगे, और कुछ चेहरों पर उस रोज खाक उड़ रही होगी और क्लाउंस छाई हुई होगी। यही काफिरों फाजिर लोग होंगे, वो बहन भाई, वो माँ बाप, वो बीवी, वो बच्चे, वो जिनकी खातिर हम अल्लाह को भुला देते हैं, वो जिनकी खातिर हम बस अपनी आई पर जो चाहते हैं करते हैं। क़यामत वाले दिन कोई नहीं पूछेगा अजीज साथियों, कोई आके हमारे गुनाहों को अपने सर पर नहीं लेगा, कोई आके मेरी तकलीफ को दूर नहीं कर सकेगा, कोई आके मेरा हाथ नहीं सहलाएगा, मुझे गले से नहीं लगाएगा कि नहीं नहीं फिक्र नहीं करो सब ठीक हो जाएगा। क्योंकि अजीज साथियों वहां पर इंसान अपने आमाल के साथ तन तनहा अल्लाह के सामने खड़े होगा, और उसकी तो ये कोशिश होगी कि अपने जितने गुनाह हैं, जितने वो बुराइयां हैं, वो दूसरों पर डाल सके, चाहे वो उसका बेटा हो, चाहे वो उसकी बेटी हो, चाहे वो उसकी बीवी हो, चाहे वो शोहर हो, चाहे वो माँ बाप हो, चाहे वो बहन भाई हो, चाहे वो अजीज दोस्त हो या रिश्तेदार हो, जिस पर वो अपने गुनाहों का बोझ लाद सकेगा वो लादेगा अजीज साथियों, वो हक, वो अपना हक लेने के लिए वहां खड़ा हो जाएगा। और उसके बाद फिर उसके पास हदीस हमें बताती है कि उसने ऐसे ऐसे गुनाह किए होंगे कि उनकी वो गुनाहों का वबाल उसको फिर जहन्नम के तरफ ले जाएगा। तर्जुमा है, जकूम का दरख्त गुनाहगार का खाजा होगा, तेल की तलछट जैसा पेट में इस तरह जोश खाएगा जैसे खोलता हुआ पानी जोश खाता है, पकड़ो इसे और रगेदते हुए यानी घसीटते हुए ले जाओ इसको जहन्नम के बीचों बीच, और उंडेल दो इसके सर पर खोलते पानी का अजाब, चख इसका मजा, बड़ा जबरदस्त इज्जतदार आदमी है तू। अस्तग़फिरुल्लाह अज़ीज़ साथियों, कैसे सख्त अल्फाज है, कैसे खुले अल्फाज है, कैसे चोट लगाने वाले अल्फाज है कुरान के, जो इंसान के जमीर को झंझोड़ने के लिए क्या काफी नहीं है, क्या समझाने के लिए बहुत नहीं है कि हमें ये जो वक्त, ये जो मोहलत उम्र है, इसमें असल में अल्लाह की तरफ पलट जाना चाहिए, अपने अमाल दुरुस्त कर लेने चाहिए, खुदा न खास्ता हम ऐसे लोगों में शामिल ना हो जाएं। तर्जुमा है, ये वही चीज है जिसके आने में तुम लोग शक रखते थे,
खुदा तर्स लोग अमन की जगह में होंगे, बागों और चश्मों में हरीर और दीबा के लिबास पहने, खूबसूरत लिबास। हमें हमें रेशम अच्छा लगता है, सिल्क अच्छा लगता है, कहते हैं बहुत महंगा है, हजारों लाखों में आता है, हमारा दिल करता है हम पहने दूसरों की तरह, जैसे अमीर पहनते हैं। यहाँ तो शायद हम ना हमें मुयस्सर ना आ सके जी साथियों, पर वहां अल्लाह का वादा है, अल्लाह देगा, हरीर भी देगा, दीबा भी देगा, लोग आमने सामने बैठे होंगे, ये होगी उनकी शान, और हम गोरी गोरी आहो चश्म औरतें उनसे ब्याह देंगे। वहां वो इत्मीनान से हर तरह की लजीज चीजें तलब करेंगे, वहां मौत का मजा वो कभी ना चखेंगे। बस दुनिया में जो मौत आ चुकी सो आ चुकी, और अल्लाह अपने फजल से इनको जहन्नम के अजाब से बचा देगा, ये बड़ी कामयाबी है। जालिका हुवल फौजुल अजीम, बहुत बहुत बड़ी कामयाबी है। दुनिया में आप तरक्की के जिस दर्जे पे पहुंच जाएं, दुनिया में आप लाखों करोड़ों की चीजें खरीद कर पहन लेने को अगर तरक्की समझें और उसको हासिल भी कर लें, लेकिन जो शान वहां पे होगी वो इस शान का उससे कोई मुकाबला नहीं है अजीज साथियों। और असल जो है ना फल यतनाफसिल मुतनाफिसून, जिसके पीछे इंसान को भागना चाहिए, असल में वो ये जन्नत है, वो ये शान है, वो ये मजे हैं, वो ये हरीरो दीबा के लिबास हैं, वो सोने के कंगन है अजीज साथियों, जिनके वादे अल्लाह हमसे करता है। अल्लाह सच्चा है, अल्लाह के वादे सच्चे हैं अजीज साथियों। हमारा काम है हम उसके वादों पर आंखें बंद करके हक और खैर के रास्ते पर निकल जाएं, और जो अपनी जिस्म की जान इस रास्ते में खपा सके खपा देने वाले हों। एक मिनट दीजिए साथियों, एक बहुत खूबसूरत हदीस है। हजरत अबू सईद खुदरी रजी अल्लाह ताला अन्हु बयान करते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि हल्के दर्जात वाले अहले जन्नत अपने ऊपर बाला खानों वालों की तरह को इस तरह देखेंगे, जो ऊपर वाले जैसे कहते हैं ना हम निचली मंजिल में रहते हैं तो वो ऊपर की मंजिल में रहते हैं, उस तरह से देखेंगे जिस तरह तुम आसमान के मशरकी या मगरबी किनारे पर मोती की तरह चमकता हुआ सितारा देखते हो जो डूबने के करीब होता है, वो दूर से छोटा सा सितारा जो हमें नजर आता है। इतने ऊंचे दर्जात पर अल्लाह के रास्ते में भागने वाले लोग होंगे अजीज साथियों। ये इसलिए होगा कि अहले जन्नत के दरमियान दर्जात की फजीलत का फर्क होगा। सुहाबा ने अर्ज किया कि या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, क्या ये अंबिया के मकामात होंगे जिन पर कोई और नहीं पहुंच सकेगा? हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि क्यों नहीं पहुंच सकेगा, उस जात की कसम जिसके हाथ में मेरी जान है कि जो लोग अल्लाह पर ईमान लाए और अंबिया की तस्दीक की वो वहां पहुंच सकेंगे। इसे मुस्लिम में रवायत किया जी साथियों। ये हदीस इंसान को इस बात का शौक दिलाती है कि वो नेकी के मामले में हरीस हो और हत्तुल इम्कान ज्यादा से ज्यादा निकी करे, ताकि वो सिर्फ जन्नत ही का मुस्तहिक ना ठहरे बल्कि जन्नत में भी आला से आला दर्जात हासिल कर सके। क्योंकि नेकियों की कमी या ज्यादती के बायस अहले जन्नत के दर्जात में इतना फर्क होगा कि एक आम जन्नती के मुकाबले में बुलंद दर्जात वाले जन्नती इतने ज्यादा बुलंद होंगे जितने हमारे मुकाबले में वो सितारे बुलंद हैं जिन्हें हम आसमान के किनारों पर देखते हैं। खूबसूरत हदीस है अजीज साथियों, एक इंसान के अंदर एक शौक पैदा करती है। जैसे आज हम कहते हैं हमारे पास महंगे तरीन पॉश इलाके में क्लिफ्टन में अल्लाह पता नहीं कहाँ कहाँ हमारे पास घर हो और हम दुनिया को दिखाते फिरे, देखो मेरे पास कितना बड़ा घर है, कितनी महंगे इलाके में लाखों करोड़ों का घर है, अरबों का घर है। अजी साथियों, ये असल चीज ये है, हम इन दर्जात के लिए भागने वाले हों, एक दूसरे के साथ दौड़े लगाने वाले हों, एक दूसरे के साथ हम इतने हरीस हों नेकियों के हम मुकाबले पे नेकी करने वाले हों। उसने इस तरह से किया, मुझे तो ये एक जरूरी करना है, मुझे इस दर्जे पर पहुंचना है, मुझे अल्लाह के रास्ते में अपनी जान खपानी है, मुझे अल्लाह के रास्ते में अपनी सलाहियतें लगानी है, मुझे अल्लाह के दीन को नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मिशन को आगे लेके बढ़ना है, मुझे वो सारे काम करने हैं जो मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किए थे, और मुझे उन दर्जात पे पहुंचने के लिए जिद्दोजहद करनी है जिन दर्जात पे जिन दर्जात का वादा अल्लाह ने अंबिया से किया था। इंशाअल्लाह ताला अजीज साथियों, मैं और आप इसी फिक्र में इंशाअल्लाह इसी फिक्र के साथ अपनी जिंदगी को आगे लेके चलने वाले हों। हम एक दूसरे के साथी बने, एक दूसरे का हाथ पकड़े, नेकी के रास्ते में एक दूसरे को जमाते चले जाएं और गुनाहों से एक दूसरे को दूर करते चले जाएं इंशाअल्लाह ताला, ताकि हम जन्नतों तक पहुंच सकें। आमीन।
आगे तर्जुमा है, ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ने हमने इस किताब को तुम्हारी जुबान में सहल बना दिया है ताकि ये लोग नसीहत हासिल करें, अब तुम भी इंतजार करो, ये भी मुंतजर हैं। अल्हम्दुलिल्लाह अजीज साथियों, सूरत दुखान मुकम्मल होती है, सूरत जासिया को शुरू करते हैं। जो सूरत जासिया का जो मौजू है वो तौहीद व आखरत के मुतल्लिक कुफारे मक्का के शुबहात व एतराजात का जवाब दिया गया और उस रवैये पर उनको मुतनब्बे किया गया है जो उन्होंने कुरान की दावत के मुकाबले में इख्तियार कर रखा था। शुरू करते हैं, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हामीम, इस किताब का नज़ूल अल्लाह की तरफ से है जो जबरदस्त और हकीम है। हकीकत यह है कि आसमान और जमीन में बेशुमार निशानियां हैं ईमान लाने वालों के लिए और तुम्हारी अपनी पैदाइश में और उन हैवानात में जिनको अल्लाह जमीन में फैला रहा है बड़ी निशानियां हैं उन लोगों के लिए जो यकीन लाने वाले हैं, और शब रोज के फर्क इख्तलाफ में और उस रिस्क में जिसे अल्लाह आसमान से नाजिल फरमाता है फिर उसके जरिए से मुर्दा जमीन को जिला उठाता है और हवाओं की गर्दिश में बहुत निशानियां उन लोगों के लिए जो अकल से काम लेते हैं। ये अल्लाह की निशानियां हैं जिन्हें हम तुम्हारे सामने ठीक ठीक बयान कर रहे हैं, और अब आखिर अल्लाह और उसकी आयात के बाद और कौन सी बात है जिस पर ये लोग ईमान लाएंगे, यानी जिसको कुरान से उसके वाकयात से उसकी तंबीहात से हिदायत नहीं मिली, जिसने इतनी खूबसूरत जन्नतों का पढ़ लिया लेकिन उसने उनको पाने की जस्तजू और तलब और जिद्दोजहद ना की, और जिसने इतनी खौफनाक हैबतनाक और दिल को हिला देने वाले जहन्नम के वाकयात सुन लिए, जहन्नम के मनाजिर देख लिए, फिर भी उसे उनसे डर नहीं लगा, उसने वो उन तंबीहात से उसे हिदायत नहीं मिली, फिर और किस तरह से हिदायत मिलेगी। अजीज साथियों, गौर व फिक्र का मकाम है, इंशाल्लाह हम गौर व फिक्र करेंगे, हम अल्लाह की तरफ बढ़ेंगे इंशाल्लाह, और हम जरूर हिदायत हासिल करने वालों में और हिदायत की तरफ दूसरों को बुलाने वालों में शामिल रहेंगे और होंगे इंशाल्लाह। तर्जुमा है, तबाही है और उस झूठे बद आमाल शख्स के लिए जिसके सामने अल्लाह की आयात पढ़ी जाती है और वो उनको सुनता है, फिर पूरे तकब्बुर के साथ पूरे इस्तकबार के साथ अपने कुफर पर इस तरह अड़ा रहता है कि गोया उसने उनको सुना ही नहीं। बहुत सख्त आयात है, बहुत सख्त आयात है। उसने सुना, ऐसा नहीं था कि वो जानता नहीं था, ऐसा नहीं था उसके कान जो सुनने की उसके उनके उसके पास समात कुवत समात नहीं थी, कुवत समात भी थी, वो बसारत भी रखता था, वो कुरान पढ़ने वाला भी था, वो कुरान सुनने वाला भी था, लेकिन सुनने के बाद उसने तकब्बुर किया। उसने कहा नहीं, कोई फर्क नहीं पड़ता, अल्लाह ताला जो कह रहे हैं कहते रहे, मैं जिस रास्ते पर हूं मैं उसी डगर पे चलूंगा, मैं जिस तरह से अपने फंक्शंस अरेंज करती हूँ, जिस तरह से हमारे हमारी ढोलकियां और हमारी मेहंदियां और हमारे डांस और हमारी मखलूत महफिलें और हमारे हमारी तैयारियां और हमारी ड्रेसिंग्स और जिस तरह से मेकअप और ज्वेलरी और हमारे हेयर स्टाइल्स जो चल रहे हैं वो चलते रहेंगे। कुरान सुन लिया ठीक है, बस यही बहुत बड़ी बात। अल्लाह कहते हैं जिसके सामने अल्लाह की आयत पढ़ी जाती हैं और उनको सुनता है, फिर पूरे इस्तकबार के साथ अपने कुफर पर इस तरह अड़ा रहता है कि गोया उसने उनको सुना ही नहीं, ऐसे शख्स को दर्दनाक अजाब का मुजदा सुना दो। हमारी आयत में से कोई बात जब उसके इल्म में आती है तो वो उनका मजाक बना लेता है, ऐसे सब लोगों के लिए जिल्लत का अजाब है, उनके आगे जहन्नम है। जो कुछ भी उन्होंने दुनिया में कमाया है इसमें से कोई चीज उनके किसी काम ना आएगी, ना उनके वो सरपरस्त ही उनके लिए कुछ कर सकेंगे जिन्हें अल्लाह को छोड़कर उन्होंने अपना वली बना रखा है, उनके लिए बड़ा अजाब है। अस्तग़फिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़म्बिन व अतूबु इलैह। ये कुरान सरासर हिदायत है और उन लोगों के लिए बला का दर्दनाक अजाब है जिन्होंने अपने रब की आयात को मानने से इनकार किया। वो अल्लाह ही तो है जिसने तुम्हारे लिए समंदर की को मुसख़्खर किया ताकि इसके हुक्म से कश्तियां उसमें चलें और तुम उसका फजल तलाश करो, शुक्र गुजार हो। उसने जमीन और आसमानों की सारी ही चीजों को तुम्हारे लिए मुसख़्खर कर दिया, सब कुछ अपने पास से। इसमें बड़ी निशानियां हैं उन लोगों के लिए जो गौर व फिक्र करने वाले हैं। ऐ नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ईमान लाने वालों से कह दो कि जो लोग अल्लाह की तरफ से बुरे दिन आने का कोई अंदेशा नहीं रखते उनकी हरकतों पर दरगुजर से काम लें ताकि अल्लाह खुद एक ग्रोह को उसकी कमाई का बदला दे। जो कि नेक अमल करेगा अपने ही लिए करेगा और जो बुराई करेगा वो आप ही उसका खमियाजा भुगतेगा, फिर जाना तो सबको अपने रब ही की तरफ है। इससे पहले बनी इसराइल को हमने किताब और हुक्म और नबूवत अता की थी, उनको हमने उम्दा सामाने ज़ीस्त से नवाजा, दुनिया भर के लोगों पर उन्हें फजीलत अता की, ये फजीलत हमें भी दी है अल्लाह ने। अजीज साथियों, याद रखने वाली बात है। आगे तर्जमा है, और दीन के मामला में उन्हें वाज़ेह हिदायत दे दी, फिर जो इख्तलाफ उनके दरमियान रूनुमा हुआ वो नवाकफियत की वजह से नहीं बल्कि इल्म आ जाने के बाद हुआ।
इल्म आ जाने के बाद हुआ, और इस बिना पर हुआ कि वो आपस में एक दूसरे पर ज्यादती करना चाहते थे। अल्लाह क़यामत के रोज उन मामलात का फैसला फरमा देगा जिनमें वो इख्तलाफ करते रहे हैं। इसके बाद अब ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हमने तुमको दीन के मामले में एक साफ शाहराह शरीयत पर कायम किया है। अच्छा साथियों, आइए पीछे एक आयत में एक लफ्ज गुजरा है, इन्ना फी ज़ालिका लआयातिल लिक़ौमी यतफक्करून। तफक्कुर क्या है, इसको थोड़ा सा समझने की कोशिश करते हैं। इसका जो रूट वर्ड है वो फा कॉफ और रॉ है। इस रूट वर्ड से कुरान में 18 मरतबा मुख्तलिफ अल्फाज आए हैं। अलफिक्रा उस कुव्वत को कहते हैं जो इल्म को मालूम की तरफ ले जाती है, और तफक्कुर के मानी नजर व अकल के मुताबिक इस कुव्वत को जुलानी देने के हैं, और यानी उस कुव्वत को बढ़ाने के हैं। और गौर व फिक्र की इस्तादाद सिर्फ इंसान को दी गई है, दूसरे हिवानात इससे महरूम है। ये मेरी और आपकी के ऊपर अल्लाह की खास रहमत है, अल्लाह ने हमें इस चीज से नवाजा है कि इंसान को अल्लाह ने अक्ल दी है जो कि दूसरे हैवानात के पास नहीं है। इंसान को अल्लाह ने गौर व फिक्र दिया है, और तफक्कर फी का लफ्ज सिर्फ इसी चीज के मुतल्लिक बोला जाता है जिसका तसव्वुर दिल यानी जहन में हासिल हो सकता हो। इसीलिए मरवी है कि अल्लाह ताला की नेमतों और कुदरतों पर तो गौर किया करो, लेकिन खुदा की जात में कभी गौर ना करो कि वो कैसी है, क्योंकि उसका तसव्वुर इंसानी जहन में नहीं आ सकता, और वो सूरत के साथ मुत्तसिफ होने से मुनज्जा है। कुरान पाक में है, क्या उन्होंने अपने दिल में गौर नहीं किया कि खुदा ने आसमानों को पैदा किया है। इसी तरह से एक और आयत करीमा है, जो लोग गौर करते हैं उनके लिए इन बातों में बहुत सी निशानियां हैं। रजुलुन फकीर, बहुत ज्यादा गौर व फिक्र करने वाला, और फिक्र का मतलब मामला की तह तक पहुंचने के लिए उसके बारे में छानबीन करने के हैं। और यही गौर व फिक्र है अजीज साथियों जिसकी दावत कुरान हमें देता है। कुरान कहता है करो ना कुरान की आयत के ऊपर गौर व फिक्र, उसके मोती चुनो जाके, उसके अंदर से वो सीप ढूंढो जो अल्लाह ने इन कुरानी आयत के अंदर हमारे लिए रखे हैं, ताकि वाकईतन वो फिक्र हमारे अंदर पैदा हो जो कुरान पैदा करना चाहता है। आगे तर्जुमा है, लिहाजा तुम उसी पर चलो और उन लोगों की ख्वाहिशात का इत्तबा ना करो जो इल्म नहीं रखते, अल्लाह के मुकाबले में वो तुम्हारे कुछ भी काम नहीं आ सकते। जालिम लोग एक दूसरे के साथी हैं और मुत्तकियों का साथी अल्लाह है। ये बसीरत की रोशनियां हैं सब लोगों के लिए, और हिदायत और रहमत उन लोगों के लिए जो यकीन लाएं। क्या वो लोग जिन्होंने बुराइयों का इर्तकाब किया है ये समझे बैठे हैं कि हम उन्हें और ईमान लाने वालों और नेक अमल करने वालों को एक जैसा कर देंगे कि उनका जीना और मरना यकसा हो जाए? बहुत बुरे हुक्म है जो ये लोग लगाते हैं। अल्लाह ने तो आसमान और जमीन को बरहक पैदा किया, और इसलिए किया है कि हर मुतनफ्फिस को उसकी कमाई का बदला दिया जाए। लोगों पर जुल्म हरगिज ना किया जाएगा। जी साथियों, ये तो इंसाफ की बात ही नहीं है। वो शख्स जो अल्लाह के कुरान को पढ़ने वाला और उसके उस पर अमल करने के लिए अपने नफ्स पे पांव रख के अपनी जिंदगी को गुजारने वाला है, जिसने अल्लाह के अहकामात को अपनी जिंदगी में अपनी इस्तेआत के हद, जो भी उसकी इस्तेआत है उसके मुताबिक उसने लागू करने की कोशिश की है, वो अपने आप को गुनाहों से बचाता है, वो अपनी जिंदगी के मामलात को गलत, अपने आप को गलत रवैयों से बचाता है, वो और वो कैसे बराबर हो सकते हैं जो खुदा को भूल कर जिंदगी गुजार के चले गए? ये तो फिर अल्लाह का जो अदल है वो तो यानी उसको तो फिर ये गवारा नहीं है कि वो दोनों को वहां बराबर कर दे। इसलिए ये गौर तलब बात है कि ऐसा नहीं हो सकता कि ईमान लाने वाले और नेक अमल करने वाले और ईमान ना लाने वाले और बुराइयां करने वाले बराबर हो जाएं। तर्जमा है, फिर क्या तुमने कभी उस शख्स के हाल पर भी गौर किया है जिसने अपनी ख्वाहिश नफ्स को अपना खुदा बना लिया है, और अल्लाह ने इल्म के बावजूद उसे गुमराही में फेंक दिया, और उसके दिल और कानों पर मोहर लगा दी, और उसकी आंखों पर पर्दा डाल दिया। अल्लाह के बाद अब और कौन है जो उसे हिदायत दे? हवा लफ्ज जो है अजीज साथियों, ये भी बहुत अहम है, इसको इसके ऊपर गौर करते हैं। इसका रूट वर्ड जो है हा वा और या है। इस रूट वर्ड से कुरान में 38 मुख्तलिफ अल्फाज आए हैं। अल हवा, इसके मानी ख्वाहिशात नफसानी की तरफ मायल होने के, और जो नफसानी ख्वाहिशात में मुबतला हो उसे हवा कहते हैं, हवयुन कहते हैं, क्योंकि ख्वाहिशात नफसानी इंसान को उसके शर्फ व मंजिलत से गिराकर मसाइब में मुबतला कर देती हैं, और आखिरत में उसे हाविया यानी दोजख में ले जाकर डाल देंगी। अल हवियु के मानी ऊपर से नीचे गिरने के हैं। अल्लाह ताला ने कुरान पाक में ख्वाहिशात इंसानी की इत्तबा की सख्त मुजम्मत की और फरमाया है, भला तुमने उस शख्स को देखा जिसने अपनी ख्वाहिश को माबूद बना रखा है, अपना इलाह बना लिया है,
मजीद इसमें जो पॉइंट्स है, ख्वाहिशात नफसानी, बस्ती पस्ती की तरफ उतरना, बुलंदी पर चढ़ना, आसमान और जमीन के माबैन फिजा, दिलों का बेकरार होना, एक दूसरे के पीछे गढ़े में गिरना, फिजा में ले जाकर नीचे दे मारना, उल्टी बस्तियों को दे टपकना और अकल को लेकर उड़ना और फुसला देना, इन सारे मानी में ये लफ्ज जो है कुरान में आया है। अल्लाह ताला हमें ख्वाहिश नफ्स का बंदा ना बनाए। अल्लाह ताला से हम दुआ करते हैं, अल्लाह ताला हमें तो अपना बंदा बना, वो बंदा जो तेरी सुनता है और सुनने के बाद, और सुनता ही वो इस नियत से है कि समिअना व अतअना, हम सुनेंगे और हम इताअत करेंगे। अल्लाह हमें ऐसे लोगों में शामिल कर ले। आगे तर्जुमा है, क्या तुम लोग कोई सबक नहीं लेते? ये लोग कहते हैं कि जिंदगी बस यही हमारी दुनिया की जिंदगी है, यही हमारा मरना और जीना है, और गर्दिशे अय्याम के सिवा कोई चीज नहीं जो हमें हलाक करती हो। दर हकीकत इस मामले में इनके पास कोई इल्म नहीं है, ये महज गुमान की बिना पर बातें करते हैं, और जब हमारी वाज़ेह आयात उन्हें सुनाई जाती है तो इनके पास कोई हुज्जत इसके सिवा नहीं होती कि उठा लाओ हमारे बाप दादा को, अगर तुम सच्चे हो। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहो, अल्लाह ही तुम्हें जिंदगी बख्शता है, फिर वही तुम्हें मौत देता है, फिर वही तुमको इस क्यामत के दिन जमा करेगा जिसके आने में कोई शक नहीं है, मगर अक्सर लोग जानते नहीं है। जमीन और आसमान की बादशाही अल्लाह ही की है, और जिस रोज क्यामत की घड़ी आ खड़ी होगी उस दिन बातिल परस्त खसारे में पड़ जाएंगे, उस वक्त तुम हर ग्रोह को घुटनों के बल गिरा देखोगे, होल रहे होंगे लोग अजीज साथियों उस हॉल की वजह से, उस मैदान हशर की हैबत की वजह से, अदालत इलाही के रोब की वजह से, बड़े बड़े जो अकड़े हुए जो लोग होंगे, जो बड़े बड़े गुनाहगार लोग होंगे, वो उनके सारी जो अकड़ है वो खत्म हो जाएगी, और आजजी के साथ सब घुटनों के बल गिरे पड़े होंगे वहां पे अल्लाह के आगे। अजीज साथियों हर ग्रोह को पुकारा जाएगा कि आए और अपना नामा या माल देखिए, उनसे कहा जाएगा आज तुम लोगों को इन उन आमाल का बदला दिया जाएगा जो तुम करते रहे थे, ये हमारा तैयार कराया हुआ आमाल नामा है जो तुम्हारे ऊपर ठीक ठीक शहादत दे रहा है, जो कुछ भी तुम करते थे उसे हम लिखवाते जा रहे थे, फिर जो लोग ईमान लाए थे और नेक अमल करते रहे थे उन्हें उनका रब अपनी रहमत में दाखिल करेगा, और यही सरीह कामयाबी है। फअम्मल्लज़ीना आमनू व आमिलुस्सालिहाति फयुदखिलुहुम रब्बुहुम फी रहमतिह ज़ालिका हुवल फौजुल मुबीन, सरीह कामयाबी है अजीज साथियों। और जिन लोगों ने कुफर किया था उनसे कहा जाएगा क्या मेरी आयात तुमको नहीं सुनाई जाती थी, मगर तुमने तकब्बुर किया और मुजरिम बनकर रहे, और जब कहा जाता था कि अल्लाह का वादा बरहक है और क्यामत के आने में कोई शक नहीं, तो तुम कहते थे कि हम नहीं जानते क्यामत क्या होती है, हम तो बस एक गुमान सा रखते हैं, यकीन हमको नहीं है। हम कहते हैं हम में से बहुत से लोग कहते हैं वो जब आएगी ना क्यामत तो देखेंगे, अभी तो जो कर रहे हो करो, क्या जरूरत है अभी क्यामत की फिक्र करने की। ऐसे कई जुमले हैं जो हम अपने कानों से सुनते हैं अजीज साथियों, और बाजुकात हमारा अमल ऐसे ही किसी सोच की अक्कासी कर रहा होता है। अल्लाह ताला हमें अपने से अपने यानी हम अल्लाह से डरने वाले बन जाएं, अल्लाह से मोहब्बत करने वाले बन जाएं, उसके साथ एक खूबसूरत ताल्लुक बनाने वाले बन जाएं, उसके आरिफ बन जाएं। आमीन। तर्जुमा है, उस वक्त उन पर उनके आमाल की बुराइयां खुल जाएंगी और वो उसी चीज के फेर में आ जाएंगे जिसका वो मजाक उड़ाया करते थे, उनसे कह दिया जाएगा कि आज हम भी उसी तरह तुम्हें बुलाए देते हैं, तुम्हें भुलाए देते हैं जिस तरह तुम इस दिन की मुलाकात को भूल गए थे। तुम्हारा ठिकाना अब दोजख है और कोई तुम्हारी मदद करने वाला नहीं है। ये तुम्हारा अंजाम इसलिए हुआ है कि तुमने अल्लाह की आयात का मजाक बना लिया था और तुम्हें दुनिया की जिंदगी ने धोखे में डाल दिया था, लिहाजा आज ना ये लोग दोजख से निकाले जाएंगे और ना इनसे कहा जाएगा कि माफी मांगकर अपने रब को राजी करो। वो तो आज की बात है नाज़ी साथियों, जब मेरी और आपकी सांस चल रही है, जब मैं और आप इस दुनिया पे दंदनाते फिर रहे हैं, ये तो आज के लिए नसीहत है कुरान की कि रुजू कर लो अल्लाह की तरफ, पलट जाओ उसकी तरफ, अपने अपने अमाल की इस्लाह कर लो, झुक जाओ, आजीज हो जाओ, अपनी हैसियत को पहचान लो, बाहसियत इंसान कितना मोहताज है उस रब का, इस चीज को आज समझ जाओ, आज लौट जाओ उस रब की तरफ जो अपनी दामन रहमत को वाकई खड़ा है, जो आज भी अपने आगोश में समेटने के लिए तैयार खड़ा है। बस ये है कि हम उसकी तरफ रुजू करने वाले हों, उससे आज माफी मांगने वाले हों, उस दिन तो ऐसा कोई मौका मिलने वाला नहीं है अजीज साथियों। आगे तर्जुमा है, बस तारीफ अल्लाह ही के लिए है जो जमीन और आसमानों का मालिक और सारे जहान वालों का परवरदिगार है, जमीन और आसमानों में बड़ाई उसी के लिए है और वही जबरदस्त और दाना है।
ऐसे मुंह क्यों कर रहे हो तेरे पर? किसी का माइक म्यूट है, प्लीज म्यूट कर दीजिए। एक बहुत खूबसूरत हदीस आती है अल्लाह ताला की किब्रियाई के हवाले से। बहुत सी सही अहादीस से ये साबित है कि जहन्नम में ज्यादातर मुतकब्बिर किस्म के लोग ही होंगे। सैयदना अबू सईद खुदरी रजी अल्लाह ताला अन्हु और सैयदना अबू हुरैरा से रवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इज्जत परवरदिगार की अजार है और बुजुर्गी उसकी चादर है। फिर फरमाया कि अल्लाह ताला फरमाता है, जो कोई उसे मुझसे छीनने की या खींचने की कोशिश करेगा मैं उसे जरूर अजाब दूंगा। इसे मुस्लिम में रवायत की है। एक और हदीस कुदसी है, अल्लाह ताला ने फरमाया कि किब्रियाई मेरी चादर और अजमत मेरा अजार बंद है, लिहाजा जो शख्स इन दोनों में से किसी चीज को मुझसे खींचने की कोशिश करेगा मैं उसे उठाकर आग में फेंक दूंगा। गोया किब्रियाई और तकब्बुर ऐसी सिफत है जो सिर्फ अल्लाह के लिए, अल्लाह अकेले को सजावार है और एक मोमिन कभी मुतकब्बिर नहीं हो सकता। तकब्बुर और ईमान एक दूसरे की जिद है जो किसी एक इंसान में जमा नहीं हो सकते। एक बहुत खूबसूरत शेर है अजीज साथियों के, जफर आदमी उसको ना जानिएगा वो हो कैसा ही साहिब फहमो जका, जिसे ऐश में यादे खुदा ना रही, जिसे तैश में खौफे खुदा ना रहा। सूरत अहकाफ शुरू होती है, उसके साथ ही अल्हम्दुलिल्लाह हमारा 25वां पारा मुकम्मल और 26वां पारा शुरू होता है। जिस साथियों 26वें पारे की सूरतें और रुकू एक नजर देख लेते हैं। इसमें 6 सूरतें हैं। सूरत अहकाफ जो है ये मक्की सूरत है, इसकी 35 आयात हैं, 4 रुकू हैं, 66वीं नजूली तरतीब है और 46वीं मुसफी तरतीब है। फिर सूरत मोहम्मद है, मदनी सूरत है, 38 आयात हैं, 4 रुकू हैं, 95वीं नजूली तरतीब है और 47वीं मुसफी तरतीब है। सूरत फतह है, बहुत अहम सूरत है, मदनी सूरत है, 29 आयात हैं, 4 रुकू हैं, 111वीं इसकी नजूली तरतीब है और 48वीं इसकी मुसफी तरतीब है। फिर सूरत अल हुजरात है, मदनी सूरत है, ये भी बहुत अहम सूरत है, 18 इसकी आयात हैं, 2 रुकू हैं, 102वीं इसकी नजूली तरतीब है और 49वीं मुसफी तरतीब है। फिर सूरत खौफ है, मक्की सूरत है, 45 आयात हैं, 3 रुकू हैं, 34वीं नजूली तरतीब और 50वीं इसकी मुसफी तरतीब है। और फिर अज़ारियात है, मक्की सूरत है, 60 आयात हैं, 30 इंशाल्लाह इससे पारे में आएंगी। फिर 3 रुकू हैं, 67वीं इसकी नजूली तरतीब है और 51 इसकी यानी 51 इसकी मुसफी तरतीब है। इसके जो मुख्तसरन इसके जो मजामीन है रुकूआत के वो देखते हैं जी साथियों। उसमें 1 से 4 जो रुकू है उसमें अल्लाह ताला ने फरमाया कि ये अल्लाह ताला की नाजिल करदा किताब है, हमने इसमें जो पैगाम दिया इसको समझने के लिए कायनात पे गौर फिक्र करना काफी है। ये जो है यानी सूरत अहकाफ इन 4 रुकूआत में है और ये 22% मजमून है। फिर सूरत मोहम्मद शुरू होती है रुकू नंबर 5 से 8 में। इसमें जंग के लिए मुसलमानों को उभारा गया है, इसके आदाब बताए गए हैं और बताया गया है कि इस्लाम में जंग का तस्वुर सिर्फ जुल्म के अजाले के लिए है, गलबा इस्लाम और अल्लाह ताला के, गलबा इस्लाम और अल्लाह ताला के लिए। ये भी 22% मजमून है। फिर सूरत फतह शुरू होती है, इसमें सुलह हुदैबिया का तफसीली जिक्र है, इंशाल्लाह ताला इसको देखेंगे, ये भी 22% मजमून है। फिर सूरत अल हुजरात शुरू होती है, ये बड़ी ही अहम सूरत है, इसमें तमाम कवायद व जवाबित मुस्लिम मुआशरे को दिए गए हैं, वो कौन सी आदतें हैं, वो कौन से ट्रेट्स हैं जो उनके दरमियान होनी चाहिए, उसका पूरी तरह से वजाहत के साथ बयान है। ये 11% मजमून है। और इसके बाद सूरत कौफ शुरू होती है रुकू नंबर 15 से 17 में, और इसमें आखिरत के मजमून को उभारा गया है, कायनात से आखिरत के दलाइल पेश किए गए हैं और फरमाया गया है कि क्या वो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दावत पर गौर व फिक्र नहीं करते। ये जो है ये 17% मजमून है। और उसके बाद फिर सूरत ज़ारियात है, इसमें अल्लाह ताला ने हवाओं का तस्करा किया है कि इन हवाओं से अल्लाह ताला ने बहुत सी कौमों पर अजाब भेजा है, जिन कौमों पर अजाब आया यानी कौम आद और समूद और कौम फिरौन वगैरह, उन सब पर इन सब में यानी हवाओं की कारकर्दगी है, हवाओं के अजाब जो थे इन पर आए थे। अल्लाह ताला जब चाहते हैं मुफीद हवाओं को पलट देते हैं और वो तुम्हारे लिए अजाब बन जाती हैं। ये सारे मजामीन जो हैं वो इस सूरत के अंदर पाए जाते हैं। ये 6% मजमून है और यहाँ पे फिर ये पारा खत्म हो जाता है। सूरत अहकाफ का जो
बस ये मंजर है, इसको एक नजर देखते हैं अजी साथियों। ये 10 नबवी में हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हयात तैयबा के इंतहाई सख्ती के जो साल थे उसमें ये नाजिल हुई थी। 3 बरस से कुरैश के तमाम कबीलों ने मिलकर बनी हाशिम और मुसलमानों का मुकम्मल बायकॉट कर रखा था और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने खानदान और अपने असहाब के साथ शेबी अबी तालिब में महसूर थे। कुरैश के लोगों ने हर तरफ से इस मोहल्ले की नाकाबंदी कर रखी थी जिससे गुजरकर किसी किस्म की रसद अंदर ना पहुंच सकती थी। सिर्फ हज के जमाने में ये महसूरीन निकलकर कुछ खरीदारी कर सकते थे, मगर अबू लहब जब भी इनमें से किसी को बाजार की तरफ या किसी तजारती काफिले की तरफ जाते देखता, पुकार कर ताजरों से कह देता कि जो चीज के ये खरीदना चाहें उसकी कीमत इतनी ज्यादा बताओ कि ये ना खरीद सकें, फिर वो चीज मैं तुमसे खरीद लूंगा और तुम्हारा नुकसान ना होने दूंगा। मतवातर 3 साल के इस बायकॉट ने मुसलमानों और बनी हाशिम की कमर तोड़ कर रख दी थी और उन पर ऐसे ऐसे सख्त वक्त गुजर गए थे जिनमें बसा औकात घास और पत्ते खाने की नौबत आ जाती थी। अजी साथियों, ये सीरत का इंतहाई अहम वाक्या है, हमें सोचना चाहिए, हमें गौर करना चाहिए, उस तकलीफ को अपने दिल पे महसूस करना चाहिए जो दीन की खातिर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, उनके बीवी बच्चों ने, उनके रिश्तेदारों ने 3 साल मुतवातर उठाई। और तकलीफें तो बेतहाशा हैं जो उन लोगों ने उठाई, लेकिन उनमें से ये एक थी। खुदा खुदा करके ये मुहासरा इस साल टूटा ही था कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचा अबू तालिब जो 10 साल से आप सल्लम के लिए ढाल बने हुए थे वफात पा गए और इस सानहे पर बमुश्किल अभी 1 महीना गुजरा था कि आप सल्लम की रफीका हयात हजरत खदीजा भी इंतकाल कर गई। इन पै दर पै सदमों और तकलीफों की वजह से हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस साल को आमुल हुज्न का साल फरमाया करते थे। ये कुछ बैकग्राउंड है अजीज साथियों इस सूरत, यानी ये सूरत इन हालात में नाजिल हुई थी। आइए अब इसको पढ़ते हैं, शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हामीम। हमने जमीन और आसमानों को और उन सारी चीजों को जो उनके दरमियान है बरहक और एक मुद्दत खास के तायुन के साथ पैदा किया है, मगर ये काफिर लोग उस हकीकत से मुंह मोड़े हुए हैं जिससे उनको खबरदार किया गया है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इनसे कहो, कभी तुमने आंखें खोल कर देखा भी कि वो हस्तियां हैं क्या जिन्हें तुम खुदा को छोड़कर पुकारते हो? जरा मुझे दिखाओ तो सही कि जमीन में उन्होंने क्या पैदा किया है या आसमानों की तख्लीक और तदबीर में उनका क्या हिस्सा है? इससे पहले आई हुई कोई किताब या इल्म का कोई बकिया इन अकायद के सबूत में तुम्हारे पास हो तो वही ले आओ, अगर तुम सच्चे हो। आखिर उस शख्स से ज्यादा बहका हुआ इंसान और कौन होगा जो अल्लाह को छोड़कर उनको पुकारे जो क्यामत तक उसे जवाब नहीं दे सकते, बल्कि इससे भी बेखबर है कि पुकारने वाले उनको पुकार रहे हैं। अजी साथियों, जिनको उनकी कब्रों पर जाके पुकारा जाता है, जिनसे दुआएं मांगी जाती है, उन लोगों को तो पता भी नहीं है कि उनसे आके उनके कब्रों पर आने वाले उनसे क्या कहते हैं और क्या पुकार है उन लोगों की। कुरान वाज़े तौर पर हमें ये बात बताता है, और जब तुम तमाम इंसान जमा किए जाएंगे उस वक्त वो अपने पुकारने वालों के दुश्मन और उनकी इबादत के मुनकर होंगे। क्यामत वाले दिन अल्लाह के सामने खड़े होके इंसान मानने से सिरे से इनकारी हो जाएगा, नहीं जी मैंने तो किसी की इबादत नहीं की अल्लाह ताला, मैंने तो किसी को जाके उसकी कब्र पे नहीं पुकारा। आगे क्या है, तर्जुमा है। लोगों को जब हमारी साफ साफ आयात सुनाई जाती हैं और हक उनके सामने आ जाता है तो ये काफिर लोग उसके मुतल्लिक कहते हैं ये तो खुला जादू है। क्या उनका कहना ये है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसे खुद घड़ लिया है? इनसे कहो, अगर मैंने इसे खुद घड़ लिया है तो तुम मुझे खुदा की पकड़ से कुछ भी ना बचा सकोगे। जो बातें तुम बनाते हो अल्लाह उनको खूब जानते हैं, मेरे और तुम्हारे दरमियान वही गवाही देने के लिए काफी है, वो बड़ा दरगुजर करने वाला और रहीम है। इनसे कहो, मैं कोई निराला रसूल तो नहीं हूँ, मैं नहीं जानता कि कल तुम्हारे साथ क्या होना है और मेरे साथ क्या, मैं तो सिर्फ उस वही की पैरवी करता हूँ जो मेरे पास भेजी जाती है और मैं एक साफ साफ खबरदार करने वाले के सिवा और कुछ नहीं हूँ। ऐ नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इनसे कहो, कभी तुमने सोचा भी कि अगर यह कलाम अल्लाह की तरफ से हुआ और तुमने इसका इनकार कर दिया तो तुम्हारा क्या अंजाम होगा? और इस जैसे एक कलाम पर तो बनी इसराइल का एक गवाह शहादत भी दे चुका है, वो ईमान ले आया और तुम अपने घुमंड में पड़े रहे। ऐसे जालिमों को अल्लाह हिदायत नहीं दिया करता। सोलह जो होते हैं ना जिस इंसान के अंदर फितरत में तो अल्लाह ने खैर और शर की पहचान रखी है, इंसान को पता चलता है सही क्या है और गलत क्या है। बात ये होती है कि वो अपने अंदर की मैं को साइड पे रख के उस हक पर लबैक कहता हुआ उसकी तरफ बढ़ जाए। असल चीज ये होती है। तर्जुमा है, जिन लोगों ने मानने से इनकार कर दिया है वो ईमान लाने वालों के मुतल्लिक कहते हैं कि अगर इस किताब को मान लेना कोई अच्छा काम होता तो ये लोग इस मामले में हमसे सबकत ना ले जा सकते थे।
چونکہ انہوں نے اس سے ہدایت نہ پائی اس لیے اب یہ ضرور کہیں گے کہ تو پرانا جھوٹ ہے، حالانکہ اس سے پہلے موسیٰ علیہ السلام کی کتاب رہنما اور رحمت بن کر آ چکی ہے، اور یہ کتاب اس کی تصدیق کرنے والی زبان عربی میں آئی ہے تاکہ ظالموں کو متنبع کر دے اور نیک روش اختیار کرنے والوں کو بشارت دے دے. سبحان اللہ، وبشرا للمحسنین. یقیناً جن لوگوں نے کہہ دیا کہ اللہ ہی ہمارا رب ہے پھر اس پر جم گئے، ان کے لیے نہ کوئی خوف ہے اور نہ وہ غمگین ہوں گے. یہ وعدہ ہے اللہ تعالیٰ کا عزیز ساتھیو، دنیا میں جتنے بھی غم اور جتنے بھی خوف ان کی زندگی کے اندر رہیں اللہ کے دین کے اوپر جمنے کی وجہ سے، پر اس دن ان کے لیے کوئی خوف اور کوئی غم نہیں ہوگا. ترجمہ ہے، ایسے سب لوگ جنت میں جانے والے ہیں جہاں وہ ہمیشہ رہیں گے اپنے ان اعمال کے بدلے جو وہ دنیا میں کرتے رہے ہیں. بڑی تسلی ہے عزیز ساتھیو، بڑی خوبصورت بشارت ہے، بہت خوبصورت اللہ کے ساتھ کا یقین ہے جو اللہ تعالیٰ یہاں پہ ہمیں دلاتے ہیں. ہم نے انسان کو ہدایت کی کہ وہ اپنے والدین کے ساتھ نیک برتاؤ کرے، اس کی ماں نے مشقت اٹھا کر اسے پیٹ میں رکھا اور مشقت اٹھا کر ہی اس کو جنا، اور اس کے حمل اور دودھ چھڑانے میں 30 مہینے لگ گئے، یہاں تک کہ جب وہ اپنی پوری طاقت کو پہنچا اور 40 سال کا ہو گیا تو اس نے کہا، اے میرے رب مجھے توفیق دے کہ میں تیری ان نعمتوں کا شکر ادا کروں جو تو نے مجھے اور میرے والدین کو عطا فرمائی ہیں. بہت خوبصورت دعا ہے، بہت خوبصورت دعا ہے. ربی اوزعنی ان اشکر نعمتک اللتی انعمت علی وعلی والدی وان اعمل صالحا ترضاه واصلح لی فی ذریتی انی تبت الیک وانی من المسلمین. اس نے کہا، اے میرے رب مجھے توفیق دے کہ میں تیری ان نعمتوں کا شکر ادا کروں جو تو نے مجھے اور میرے والدین کو عطا فرمائی، اور ایسا نیک عمل کروں جس سے تو راضی ہو، اور میری اولاد کو بھی نیک بنا کر مجھے سکھ دے. میں تیرے حضور توبہ کرتا ہوں اور تابع فرمان یعنی مسلمان بندوں میں سے ہوں. خوبصورت دعا ہے، ایک جامع دعا ہے، والدین کے لیے بھی ہے، اپنی ذات کے لیے بھی ہے، اپنی اولاد کے لیے بھی ہے. اس میں توبہ بھی ہے، رجوع بھی ہے، اس میں تابع فرمان بننے کے حوالے سے بھی بات ہے، یعنی مسلم بندوں میں سے شامل ہونے کے حوالے سے بھی انسان اپنی دعا میں حصہ ڈال رہا ہے. عزیز ساتھیو، یہ بیسیکلی 40 سال کی جو عمر ہوتی ہے، ہم اگر دیکھیں تو انبیاء کو جو نبوت ہے وہ بھی 40 سال کی عمر میں ہی ملی ہے، سوائے حضرت عیسیٰ کے. اور یہ ایک سائیکولوجیکل میچورٹی کی ایج ہوتی ہے. جو بات اس دعا سے ہمیں سمجھ آتی ہے وہ یہ ہے کہ یعنی انسان اپنے پروردگار کے اور اپنے والدین کے احسانات کا احساس کرنے لگتا ہے، اس کے اندر یہ احساس پیدا ہونے لگ جاتا ہے کہ میرے اللہ نے، یعنی ایک میچورٹی جو ہے، جو زندگی کے دھکے ہیں جو انسان پیچھے سے اپنی ایک لائف گزار کے یہاں تک پہنچتا ہے، وہ اسے اپنے اللہ کا ایسا عارف بنا دیتے ہیں، اللہ کی ایسی معرفت اس کو حاصل ہو جاتی ہے اگر واقعتاً حقیقتاً وہ اس کا طلبگار ہو، کہ وہ چیز اسے انسان کے اس شعور کو بیدار کرتی ہے کہ اللہ نے اس کے اوپر کتنے احسانات کیے ہیں، کتنی نعمتوں سے، کتنی رحمتوں سے، کتنی برکتوں سے اس کو نوازا ہے، اور والدین کا ہونا اس کے لیے ایک احسان ہے. یعنی اللہ نے اس کو مہربان محبت کرنے والے والدین دیے، پھر ان والدین کے اوپر جو اللہ نے احسانات کیے، انہیں جو وسائل دیے، جو انہیں نعمتیں دی جن کو استعمال کرتے ہوئے ان والدین نے اولاد کو کھلایا پلایا، تعلیم دی، تربیت کی، خوبصورت ماحول دیا، حق اور باطل کی تمیز سکھائی، دین سکھایا، یہ وہ ساری چیزیں ہیں جو انسان محسوس کرتا ہے، اس کو اپنے دل کے اوپر جا کے اسے یہ چیز اس کے اندر یعنی ایک شعور پیدا کرتی ہے کہ کتنی نعمتیں ہیں، کتنے احسانات اس رب کے ہیں، اور کتنی نعمتیں اور کتنے احسانات میرے والدین کے میرے اوپر ہیں جو کہ میں نے اپنی زندگی میں ان چیزوں کو استعمال کیا ہے. آج میں اگر ایک انسان ہوں، کامیاب انسان ہوں، میں پڑھ لکھ کے اس مقام تک پہنچا ہوں، مجھے خیر اور شر کی تمیز ہے، تو یہ والدین کی مہربانیاں ہیں میرے اوپر. اور پھر اس مہربانی کو محسوس کرنا پہلا پوائنٹ اس کے اندر یہ ہے. اور پھر اس کو محسوس کرتے ہوئے اللہ سے یہ توفیق مانگنا کہ یا اللہ تو مجھے اپنا شکر گزار بنا دے. اور شکر کے لیے پھر یعنی عملی شکر کا پہلو جو اس میں سمجھ آتا ہے وہ یہ ہے کہ انسان پھر کیا کرنے لگ جائے. بہت خوبصورت بات ہے، وَأَنْ أَعْمَلَ صَالِحًا تَرْضَاهُ. یہ حصہ جو ہے یہ کثرت سے مانگے اپنے لیے. میں بھی الحمدللہ
मैं इस अक्सर इस दुआ को सिर्फ इस, वैसे तो पूरी दुआ अल्हम्दुलिल्लाह पढ़ती हूँ, आपको भी यकीनन याद होगी, नहीं होगी तो जरूर कर लीजिए, लेकिन ये जो हिस्सा है वन आमला सालिहन तरदा, या अल्लाह मुझसे ऐसे काम करवा ले जिनसे तू राजी हो जाए, ऐसे काम करूं जो तुझे 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 खूब राजी करने वाले हों, मुझे तेरी खुशनूदी मिल जाए, मुझे तेरी मोहब्बत मिल जाए, मुझे तेरा साथ मिल जाए। और फिर वो कैसे मिलेगा वो काम, सबसे पहली बात जो अल्लाह को पसंद है, जो खालिसतन उसकी रजामंदी के लिए है, जो शरीयत की पाबंदियों यानी उस पर रसूल के मुताबिक है, जिनमें रिया का शायबा नहीं है, और उनमें फिर कोई ऐसा फेल ना किया जाए जो उस नेक अमल को बर्बाद करते, यानी इंसान नेकियां करे लेकिन नेकियों को संभाल के रखने वाला हो, ये नेकियां उसके वालदैन के लिए सदका जारिया बनेगी, ये उसके वालदैन के लिए शुक्रगुजारी का एक खूबसूरत एक तोहफा उनके उसके वालदैन के लिए होगा, एक खूबसूरत अमल होगा उसका उसके वालदैन के लिए, अल्लाह की शुक्रगुजारी भी होगी, वालदैन की शुक्रगुजारी भी होगी अजीज साथियों। और इसमें फिर नेक्स्ट जो पॉइंट है बहुत खूबसूरत, वह असलह ली फी जरूरियाती, ये दुआ भी कसरत से मांगनी चाहिए अपनी औलाद की इसलाह के लिए, या अल्लाह मेरी औलाद को भी नेक बनाकर मुझे सुख दे दे। फिर उसमें इंसान की अपनी अमली शुक्रगुजारी क्या है कि वो औलाद की खूबसूरत तरबियत करे, उनके लिए फिक्र करने वाला हो, उनके लिए दुआ गो रहने वाला हो, उनको वो हालात देने वाला हो जिनसे वो अल्लाह के नेक बंदे बन के उठे, नेक बंदे बन के वो इस मुआशरे का हिस्सा बने। और यानी दुनिया की कामयाबी और आखिरत की कामयाबी दोनों पहलुओं से वो अपनी औलाद के लिए मेहनत भी करने वाला हो और दुआ करने वाला भी हो। फिर इसमें जो नेक्स्ट पॉइंट है वो अल्लाह के हुजूर तौबा करने का पॉइंट है, या अल्लाह इन्नी तुबतु इलैका, मैं तेरी तेरे हुजूर तौबा करता हूँ। जितना जितना इंसान को शऊर मिलता चला जाता है अल्लाह के होने का, उसके एहसानात का, अपने माँ बाप के एहसानात का, जितना जितना इंसान उन चीजों की तलाश में निकल जाता है मेरे रब को क्या पसंद है, वो अपने अमल को उसके मुताबिक ढाल लेता है, उतना उतना वो आजीज होता चला जाता है, वो उसके 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 सामने उसके गुनाह आते चले जाते हैं, उसकी जिंदगी भर की गलतियां आती चली जाती हैं, जो उसने कमियां कोताहियां हकूकुल्लाह में की होती हैं, जो उसने कमियां कोताहियां हकूकुल इबाद में की होती हैं, जो आज तक उसने अपनी औलाद के मामले में कमी की होती है अजीज साथियों, जो रिश्तेदारों के मामले में, वो हर चीज उसके लिए वो एक एक अपने गुनाह को याद करता है, एक गलती को याद करता है, वो अल्लाह से अल्लाह की तरफ रुजू करता है, उससे माफी मांगता है, और फिर वो ऐसे अमल में लग जाता है कि अल्लाह ताला को फिर यानी तौबा करता है और फिर अपनी इसलाह भी करता है, और फिर जो जो उसकी गलतियों की वजह से असरात मुआशरे के पुराए होते हैं या उसके इर्द गिर्द उसकी औलाद के ऊपर, वो जिस हद तक उन असरात को मिटा सकता है उनको मिटाने की कोशिश करता है, यानी वो अल्लाह के दीन को लेके फिर खड़ा हो जाता है। और फिर नेक्स्ट उसमें पॉइंट जो आखिरी है वह इन्नी मिनल मुस्लिमीन, और ये चीज उसको फिर ताबे फरमान मुसलमान बना देती है, अल्लाह का ताबे फरमान बंदा बना देती है। इसलिए ये दुआ बहुत खूबसूरत है, इसके ऊपर मजीद और बहुत सा गौर व फिक्र किया जा सकता है, मैंने तो चंद पॉइंट्स आपके सामने रखे हैं, लेकिन ये ऐसी दुआ है जिस साथियों जिसे यकीनन हम सब की नमाजों का हिस्सा भी होना चाहिए, हम सब की उठते बैठते की दुआ का मतलब दुआओं का हिस्सा भी होना चाहिए, और इस पे बहुत गौर व फिक्र होना चाहिए ताकि हम इस दुआ की असल जो चीज है उसको समझ सकें और इसको अपनी जिंदगियों में ना सिर्फ पढ़ने वाले हों बल्कि इसके मुताबिक अपने आप को ढालने वाले हों, अल्लाह के ऐसे शुक्रगुजार बन जाएं कि उसका जो उसके मुताबिक उसके जो भी अहकाम है उसके मुताबिक हमारी जिंदगी ढलती चली जाए और हम ताबे फरमान बंदे बन जाएं। तर्जमा है, इस तरह के लोगों से हम उनके बेहतरीन अमाल को कबूल करते हैं और उनकी बुराइयों से दरगुजर कर जाते हैं, ये जन्नती लोगों में शामिल होंगे उस सच्चे वादे के मुताबिक जो उनसे किया जाता रहा है। और जिस शख्स ने अपने वालिदैन से कहा उफ तंग कर दिया तुमने, क्या तुम मुझे ये खौफ दिलाते हो कि मैं मरने के बाद फिर कब्र से निकाला जाऊंगा, हालांकि मुझसे पहले बहुत सी नस्लें गुजर चुकी हैं, उनमें से तो कोई उठ कर ना आया, माँ और बाप अल्लाह की दुहाई देकर कहते हैं अरे बदनसीब मान जा, अल्लाह का वादा सच्चा है मगर वो कहता है ये सब अगले वक्तों की फरसूदा कहानियां हैं, ये वो लोग हैं जिन पर अजाब का फैसला चश्मा हो चुका है, इनसे पहले जिनों और इंसानों के जो टोले इसी कमाश के हो गुजरे हैं उन्हीं में ये भी जा शामिल होंगे, बेशक ये घाटे में रह जाने वाले लोग हैं। अजी साथियों, ये पूरी जो एक जो पूरा एक डायलॉग जो यहाँ पे अल्लाह ताला ने हमें सुनाया है वो बेसिकली उस वक्त का जो मुआशरा था ये उस वक्त ये किरदार मुआशरे में अमलन मौजूद थे और लोगों के लिए ये जानना कुछ भी मुश्किल ना था कि पहली किस्म का किरदार कहाँ पाया जाता है और दूसरी किस्म का किरदार कहाँ पाया जाता है, यानी ये उस वक्त के मुआशरे की अक्कासी है जो अल्लाह ताला ने
की है। बहरहाल ऐसे हालात तो आज भी हम देखते हैं, वालिदैन अपनी औलाद की इस्लाह के लिए फिक्रमंद होते हैं लेकिन औलाद सुनने पर नहीं आती। और उसमें फिर हमारे पास वो खूबसूरत दुआ है जो पीछे अल्लाह ताला ने हमें सिखाई है, हमें समझाई है, बताई है, हम उस दुआ को पकड़ लें तो इंशाल्लाह हमारी औलादें भी इस्लाह की तरफ आ जाएंगी। आगे तर्जुमा है, दोनों ग्रोहों में से हर एक के दर्जे उनके अमाल के लिहाज से हैं ताकि अल्लाह उनके लिए उनके किए का पूरा पूरा बदला उनको दे, उन पर जुल्म हरगिज ना किया जाएगा। फिर जब ये काफिर आग के सामने ला खड़े किए जाएंगे तो उनसे कहा जाएगा तुम अपने हिस्से की नेमतें अपनी दुनिया की जिंदगी में खत्म कर चुके और उनका लुत्फ तुमने उठा लिया, अब जो तकबर तुम जमीन में किसी हक के बगैर करते रहे और जो नाफरमानियां तुमने की उनकी पादाश में आज तुमको जिल्लत का अजाब दिया जाएगा। अस्तग़फिरुल्लाह। जरा उन्हें आद के भाई हूद का किस्सा सुनाओ जबकि उसने अहकाफ में अपने अपनी कौम को खबरदार किया था, और ऐसे खबरदार करने वाले उससे पहले भी गुजर चुके हैं और इसके बाद भी आते रहे कि अल्लाह के सिवा किसी की बंदगी ना करो, मुझे तुम्हारे हक में एक बड़े हौलनाक दिन के अजाब का अंदेशा है। उन्होंने कहा क्या तू इसलिए आया है कि हमें बहका कर हमारे माबूदों से बरगश्ता कर दे, अच्छा तो ले आ अपना वो अजाब जिससे तू हमें डराता है। अगर वाकई तू सच्चा है, उसने कहा कि इसका इल्म तो अल्लाह को है, मैं सिर्फ वो पैगाम तुम्हें पहुंचा रहा हूँ जिसे देकर मुझे भेजा गया है, मगर मैं देख रहा हूँ कि तुम लोग जहालत बरत रहे हो। फिर जब उन्होंने इस अजाब को अपनी वादियों की तरफ आते देखा तो कहने लगे ये बादल है जो हमको सैराब कर देगा, नहीं बल्कि ये वही चीज है जिसके लिए तुम जल्दी मचा रहे थे, ये हवा का तूफान है जिसमें दर्दनाक अजाब चला आ रहा है, अपने रब के हुक्म से वह हर चीज को तबाह कर डालेगा। आखिरकार उनका हाल ये हुआ कि उनके रहने की जगहों के सिवा वहां कुछ नजर ना आता था। इस तरह हम मुजरिमों को बदला दिया करते हैं, उनको हमने वो कुछ दिया था जो तुम लोगों को नहीं दिया है, उनको हमने कान आंखें और दिल सब कुछ दे रखे थे मगर ना वो कान उनके किसी काम आए ना आंखें ना दिल, क्योंकि वो अल्लाह की आयात का इनकार करते थे और उसी चीज के फेर में वो आ गए जिसका वो मजाक उड़ाते थे। अस्तग़फिरुल्लाह। अल्लाहुम्मा ला तजअलना मिनहुम। तुम्हारे गिर्दो पेश के इलाकों में बहुत सी बस्तियों को हम हलाक कर चुके हैं, हमने अपनी आयात भेजकर बार बार तरह तरह से उनको समझाया शायद कि वो बाज आ जाएं, फिर क्यों ना उन हस्तियों ने उनकी उन हस्तियों क्यों ना उन हस्तियों ने उनकी मदद की जिन्हें अल्लाह को छोड़कर उन्होंने तकर्रुब इलल्लाह का जरिया समझते हुए माबूद बना लिया था, बल्कि वो तो उनसे खोए गए। और यह था उनके झूठ और उन बनावटी अकीदों का अंजाम जो उन्होंने घर रखे थे। और वो वाकया भी काबिले जिक्र है जब हम जिन्हों के ग्रोह को तुम्हारी तरफ ले आए थे ताकि कुरान सुने। अजय साथियों, ये बड़ी बड़ा अहम वाकया है जिन्हों का कुरान सुनना, इस पर तो इंशाल्लाह हम बाद में बात करेंगे, लेकिन ये असल में जिस तनाजुर में ये सारी चीज है, वो कौन सा वक्त था जब जिन्होंने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कुरान सुना था और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किस जगह से वहां पे आए थे, कि सारी चीज अगर हम जाने तो मुझे लगता है हमारे लिए एक याद दहानी भी होगी और एक बहुत बहुत खूबसूरत वाकया भी, वाकया ताइफ, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत का एक इंतहाई अहम वाकया, और मैं चाहती हूँ कि मैं आपके सामने उसको जरा तफसील से रखूं। उसके एक एक जुमले को गौर से सुनिएगा, उस एक एक लफ्ज के तकलीफ को महसूस कीजिएगा जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर उस वक्त गुजरी, और जब वो उस जगह के लिए निकले तो क्या हालात थे, इनको भी मैं आपके सामने रखती हूं। एक रोज रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल सुबह घर से निकले और खुदा का पैगाम सुनाने के लिए मक्का के मुख्तलिफ कूचों में घूमे फिरे, लेकिन वो एक दिन पूरा ऐसा गुजरा कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को एक आदमी भी ऐसा ना मिला जो बात को सुनता। मुशरिकीन या कुफार की नई स्कीम ये थी कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जब आते देखा जाए तो लोगों को चाहिए कि इधर उधर सटक जाएं। बातें सुनने से बात फैलती है और मुखालफत करने से और बहसें छेड़ने से वो और ज्यादा उभरती है। स्कीम कामयाब रही, जो लोग मिले भी उन्होंने इस्तेहजा और गुंडागर्दी का मुजाहरा किया। उस रोज आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पूरा दिन गुजार कर जब पलटे तो उदासी का एक भारी बोझ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सीने पर लदा हुआ था। सख्त घुटन थी, ऐसी घुटन जो किसी खैरखाई करने वाले को उस वक्त होती है कि जिसकी वो खैरखाई कर रहा हो वही खुद मोहसन कुशी पर उतर आए। इस खास दिन का तजर्बा
गोया इस अमर की इतला था कि मक्का की खेती अब बंजर होती जा रही है और उसे जो कुछ फसल देनी थी वो दे चुकी है। बाद के हालात बद से बदतर होते हुए हालात ने इसकी तौसीक की और आहिस्ता आहिस्ता जोहरे काबिल रखने वाले आखिरी जर्रात भी मोहसिन इंसानियत के गिर्द सिमट आए। शायद इसी दिन से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दिल में ये रुझान पैदा हो गया था कि आप मक्का से बाहर निकलकर काम करना चाहिए। एक बसीरत मंद दाई जब अपने इब्तदाई मरकज पर इतना काम कर चुकता है कि वहां के कारामद लोग लब्बैक कह देते हैं और बाकी सिर्फ जिद्दी बाकी रह जाते हैं, तो फिर वो अपनी कुव्वतें खाम खा जाया नहीं करता बल्कि नई खेती तलाश करता है, माहौल को बदलकर तजुर्बा करता है। ऐसे ही हालात में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मक्का के गिरदोपेश में काम करने का इरादा बांधा। दावत की नसीम फिल हकीकत ताइफ के लिए चली थी। जैद बिन हारसा को साथ लेकर सरवरे आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्का से पैदल चले और रास्ते में जो कबाइल आबाद थे उन सब के सामने खुदा का पैगाम पेश किया। करीबन एक महीना की मुद्दत आने जाने में सर्फ हो गई। ताइफ एक बड़ा सरसब्ज किता था, पानी साया, खेतियां बाकात, निस्बतन ठंडा मुकाम, लोग बड़े खुशहाल थे और दुनिया परस्ती में बुरी तरह मगन थे। इंसान एक मरतबा मौशी खुशहाली पाले तो फिर वो खुदा फरामोशी और अखलाक बाख्तगी में दूर तक बढ़ता चला जाता है। यही हाल अहले ताइफ का था। मक्का वालों में तो फिर भी मजहबी सरबराही और मुल्की क्यादत की जिम्मेदारियों की वजह से किसी कदर अखलाकी रख रखाव हो सकता था, लेकिन ताइफ के लोग बुरी तरह लाउबाली ढबके थे और फिर सूद खोरी ने उनके अच्छे इंसानी एहसासात को बिल्कुल मलिया मेट कर दिया था। हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्का से बदतर माहौल में कदम रख रहे थे। मोहसिन इंसानियत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ताइफ में पहुंचे। अच्छा अजीज साथियों, याद रखिएगा कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये जो सफर था ये आपने पैदल किया था, इसीलिए जाहिर है आपको फिर इतना ज्यादा वक्त जो था वो लगा था। मोहसिन इंसानियत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ताइफ में पहुंचे तो पहले सकीफ के सरदारों से मुलाकात की। ये तीन भाई थे, अब्दिया लैल, मसूद और हुबैब या हबीब। इनमें से एक के घर में कुरैश की एक औरत थी, इस वजह से एक तरह की लिहाजदारी की तवक्को हो सकती थी। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनके पास जा बैठे, उनको बतरीके अहसन अल्लाह ताला की तरफ बुलाया और अपनी दावत पर गुफ्तगू की और इनसे अकामत हक के हकाम में हिमायत तलब की। अब जवाब सुनिए जो तीनों की तरफ से मिलता है। एक अगर वाकई, यानी एक कहता है अगर वाकई खुदा ने ही तुमको भेजा है तो बस फिर वो काबा का खुलाफ नुचवाना चाहता है। दूसरा कहता है अरे क्या खुदा को तुम्हारे अलावा रसालत के लिए कोई और मुनासिब आदमी ना मिल सका। तीसरा कहता है खुदा की कसम मैं तुझसे बात भी नहीं करूंगा, क्योंकि अगर तू अपने कहने के मुताबिक वाकई अल्लाह का रसूल है तो फिर तुझ ऐसे आदमी को जवाब देना सख्त खिलाफ अदब है, और अगर तुमने खुदा पर इफ्तरा बांधा है तो तू इस काबिल नहीं है कि तुझसे बात की जाए। जहर में बुझे हुए तीर थे जो इंसानियत के मोहसिन के सीने में पै दर पै पेवस्त होते चले गए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तहम्मुल से अपने दिल पर सारे जख्म सह लिए और उनके सामने आखिरी बात ये रखी कि तुम अपनी ये बातें अपने ही तक रखो और कम से कम अवाम को इनसे मुतासिर ना करो। ये एक रिक्वेस्ट थी जो आपने उन लोगों से की थी, मगर उन्होंने अपने हाँ के घटिया और बाजारी लोगों को खुशका कर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पीछे लगा दिया। अब इसके साथ जरा ध्यान से सुनिएगा, वो सारी तकलीफ जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उठाई, पीछे लगा दिया कि जाओ और उस शख्स को बस्ती से निकाल बाहर करो। एक गौल का गौल आगे पीछे हो लिया। ये लोग गालियां देते, शोर मचाते और पत्थर मारते थे। पत्थर ताक कर निशाना लेकर टखनों की हड्डियों पर मारते ताकि ज्यादा अजियत पहुंचे। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब निढाल हो जाते तो बैठ जाते, लेकिन ताइफ के गुंडे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बाजू से पकड़कर उठा देते और फिर टखनों पर पत्थर मारते और तालियां बजा बजा कर हंसते। खून बेतहाशा बह रहा था और जूतियां अंदर और बाहर से लिथड़ गई थी। इस नादर तमाशा को देखने के लिए बड़ा हुजूम इकट्ठा हो गया। गुंडों का गौल इस तरीके से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को शहर से निकाल कर एक बाग के अहाते तक ले आया जो रबिया के बेटों उतबा और शैबा का था। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बिल्कुल बेदम होकर अंगूर की एक बेल से टेक लगा ली। बाग के मालिक आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देख रहे थे और जो कुछ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर बीती उसका भी कुछ मुशाहिदा कर चुके थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दो रकत नमाज पढ़ी। यही वो मौका था जब आपके होंठों से जेल की दर्द भरी दुआ निकली, इलाही अपनी कुव्वत की कमी, अपनी बेसरो सामानी और लोगों के मुकाबले में अपनी बेबसी की फरियाद तुझी से करता हूँ, तो सब रहम करने वालों से ज्यादा रहम करने वाला है,
درماندہ بے قصوں کا پروردگار تو ہی ہے، تو ہی میرا مالک ہے، آخر تو نے مجھے کس کے حوالے کرنے، آخر تو مجھے کس کے حوالے کرنے والا ہے؟ کیا اس حریف بیگانہ کے جو مجھ سے ترش روئی روا رکھتا ہے، یا ایسے دشمن کے جو میرے معاملے میں قابو رکھتا ہے؟ لیکن اگر مجھ پر تیرا غضب نہیں ہے تو پھر مجھے کچھ پرواہ نہیں، بس تیری عافیت میرے لیے زیادہ وسعت رکھتی ہے، میں اس بات کے مقابلے میں کہ تیرا غضب مجھ پر پڑے یا تیرا عذاب مجھ پر وارد ہو، تیرے ہی نور و جمال کی پناہ طلب کرتا ہوں، جس سے ساری تاریکیاں روشن ہو جاتی ہیں اور جس کے ذریعے دین و دنیا کے جملہ معاملات سنور جاتے ہیں. مجھے تو تیری رضامندی اور خوشنودی کی طلب ہے، بجز تیرے کہیں سے کوئی قوت و طاقت نہیں مل سکتی. عزیز ساتھیو، اب یہاں پھر وہ باغ میں پہنچتے ہیں اور وہ ایک اداس، ایک غلام ہوتا ہے جو ان کو انگور کھلاتا ہے، اور اس کے ساتھ وہ یونس بن متی کی بات کرتے ہیں، حضرت یونس علیہ السلام کی، اور وہ ان کو اس بات پر، یعنی وہ ان کے ہاتھ پاؤں چومنے لگتا ہے. یہ پھر ایک بیچ میں ایک واقعہ ہے، لیکن اصل چیز اس کو میں چھوڑ دیتی ہوں، اس کو انشاءاللہ آپ خود پڑھیے گا. در حقیقت اب جناب ابو طالب کے وفات کے بعد مکہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم ظاہری لحاظ سے بالکل بے سہارا تھے اور دشمن شیر ہو گئے تھے. خیال فرمایا کہ طائف میں سے شاید کچھ اللہ کے بندے اٹھ کھڑے ہوں. وہاں یہ صورت پیش آئی، وہاں سے پھر آپ نخلا میں قیام پذیر رہے، وہاں سے واپس آئے اور غار ہیرا میں تشریف فرما ہوئے. یہاں سے مطعم بن عدی کو پیغام بھجوایا کہ کیا تم مجھے اپنی حمایت میں لے سکتے ہو. ساتھیوں، بے بسی دیکھیے اس اللہ کے بندے کی، اس رسول کی، اس نبی کی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کہ کس طرح سے جب حضرت ابو طالب نہیں رہے تو کتنی ایک بے سہارا سی کیفیت تھی ان کی. اور وہ مطعم بن عدی کی جسے کہتے نا پناہ میں لی، انہوں نے پناہ لی اور پھر وہ مکہ تک پہنچے. طائف میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر جو کچھ گزری اسے مشکل سے روایات کے الفاظ ہم تک منتقل کر سکتے ہیں. ایک بار حضرت عائشہ نے دریافت کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کہ آپ پر احد کے دن سے بھی سخت دن کوئی گزرا ہے؟ اب یاد کر لیجئے احد کے دن کا معاملہ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دانت مبارک شہید ہوئے تھے، ان کی رخسار جو تھا اس میں بھی وہ چب گیا تھا، لوہا سا چب گیا تھا، اور بہت زیادہ خون نکلا تھا، اور شدید تکلیف تھی، اور ذہنی طور پر بھی وہ احد کے سارے حالات یاد کر لیجئے جو ہم نے کسی حد تک دیکھے بھی ہیں. سوال تھا کہ کیا آپ پر احد کے دن سے بھی سخت دن کوئی گزرا ہے؟ فرمایا، تیری قوم کی طرف سے اور تو جو تکلیفیں پہنچی سو پہنچی، مگر سب سے بڑھ کر سخت دن وہ تھا جب میں نے طائف میں عبد جلیل کے بیٹے کے سامنے دعوت رکھی اور اس نے اسے رد کر دیا، اور اس درجہ صدمہ ہوا کہ کرن الثعالب کے مقام تک جا کر بمشکل طبیعت سنبھلی. اس کے حوالے سے آتا ہے کہ زید بن حارثہ، جنہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نڈھال اور بے ہوش ہو جانے پر طائف سے کندھوں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اٹھا کر شہر کے باہر پہنچایا، دل اندوہگی کے ساتھ، یعنی سخت دکھے ہوئے دل کے ساتھ عرض کرنے لگے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان لوگوں کے لیے خدا سے بد دعا کریں. فرمایا، میں ان کے لیے کیوں بد دعا کروں؟ اگر یہ لوگ خدا پر ایمان نہیں لاتے تو امید ہے کہ ان کی نسلیں ضرور خدا واحد کے پرستار ہوں گی. اسی سفر میں جبرائیل علیہ السلام آتے ہیں اور اطلاع دیتے ہیں کہ پہاڑوں کا انچارج فرشتہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہے، اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اشارہ کریں تو وہ ان پہاڑوں کو آپس میں ملا دے، جن کے درمیان مکہ اور طائف واقع ہیں، اور ان دونوں شہروں کو پیس کر رکھ دے. اسی یاس انگیز فضا میں جنوں کی جماعت آ کر قرآن سنتی ہے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر ایمان لاتی ہے. اس طرح سے خدا نے یہ حقیقت واضح کی کہ اگر تمام انسان دعوت حق کو رد کر دیں تو ہماری مخلوقات ایسی موجود ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ دینے کو تیار ہیں. عزیز ساتھیو، یہ جملہ بہت اہم ہے کہ طائف میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر جو کچھ گزری اسے مشکل ہی سے روایات کے الفاظ ہم تک منتقل کر سکتے ہیں. ہم اس تکلیف کو محسوس کر بھی لیں تب بھی نہیں کر سکتے عزیز ساتھیو، جو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے طائف کے دن اٹھائی تھی، جسمانی اذیت بھی، جب ایک زخم کے اوپر پھر زخم لگتا ہے اور پھر پتھر پڑتا ہے اور پھر پتھر پڑتا ہے، اس تکلیف کو ہم چاہیں بھی تو محسوس نہیں کر سکتے. ہم نے تکلیفیں کتنی اٹھائی ہیں دین کے لیے، ہم نے ان کے لیے کبھی کبھی ہم کھڑے ہوئے ہیں، ہم نے کبھی اس کے اشری اشیر بھی نہیں تکلیف کو سہا جو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دین کے لیے اٹھائی تھی.
ये ताइफ का वाकया मेरे और आपके लिए, हम जब इसको सुनते हैं हमारी आंखों में आंसू आते हैं, हो सकता है कि इतने आंसू आए कि वो हमारे रुखसारों पर फिसल पड़े, हम उस तकलीफ को अपने दिल पे भी किसी हद तक महसूस करते हैं, लेकिन अमलन हम क्या करते हैं? क्या हम खड़े होकर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मिशन का साथ देते हैं? क्या हम उन लोगों का साथ देते हैं जो दीन के लिए काम करने वाले हैं कि हाँ मैं अपना माल और अपनी जान और अपनी सलाहियत और अपना वक्त तुम्हारे लिए वक्फ करता हूँ, अल्लाह के दीन के लिए वक्फ करता हूँ? किसके लिए उठाई थी तकलीफें अजीज साथियों? अल्लाह के दीन को लोगों तक पहुंचाने के लिए, अल्लाह के दीन की तरफ लोगों को बुलाने के लिए, उनको उनकी खैर ख्वाही का ये जज्बा था, ये फिक्र थी अपनी उस जिम्मेदारी की, उस फरीजा रसालत की जो अल्लाह ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सौंपा था। सत्यों मैं और आप नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जानशीन है, कभी ये फिक्र हमारे अंदर पैदा होती है? कभी ये सोच हमारे अंदर आती है कि हमें भी ये करना है? कभी कोई ऐसा ऐसा अंदर से ऐसा जज्बा उठता है कि मैं भी उठूं और जाके ऐसे लोगों का साथ देने वाली बन जाऊं? अल्लाह ने हम में से हर इंसान को मुख्तलिफ सलाहियतें दी हैं। अगर मेरे जैसा बंदा अल्लाह के दीन के लिए कुछ कर सकता है तो आप तो जरूर ही कर सकते हैं। मैंने जब हल्के का साथ देना शुरू किया था जी साथियों, मुझे कुछ नहीं आता था, मैंने हर चीज अल्लाह के दीन से जुड़ के सीखी है। आप भी सीख सकते हैं, आगे बढ़िए, उस नबी का साथ दें जिसने अल्लाह के दीन की खातिर इतनी तकलीफें उठाई कि उसकी नजर में सबसे बड़ा जो मुश्किल दिन था वो ताइफ का था। क्या मैं और आप ताइफ के वाक्य से कुछ नहीं सीखेंगे? क्या मैं और आप ताइफ का वाक्य सुनकर कोई जज्बा अपने दिल में बेदार करने की कोशिश नहीं करेंगे? क्या मैं और आप ताइफ का वाक्य सुनने के बाद अल्लाह के हजूर गिड़गिड़ा कर दुआ नहीं मांगेंगे कि अल्लाह ताला जी मेरे अंदर वो जज्बा पैदा कर दीजिए, मुझे वो रास्ता दिखा दीजिए जो मुझे आप तक ले जाए, जो मुझे मेरे नबी के महबूब बना दे, जो मुझे आपका महबूब बना दे। साथियों सोचिए, गौर कीजिए, सारे काम छोड़ के आज इफ्तारी थोड़ी बना लीजिएगा, बैठिएगा अल्लाह के हजूर जरा अपनी गर्दन झुका के और जरा अपने अंदर झांकिएगा। ये मोहब्बत है उस नबी से हमें कि हमने कभी मुड़ के उसके मिशन के लिए हिस्सा डालने का सोचा ही नहीं। हमने दीन को बहुत लिमिटेड सा देखा है, बहुत महदूद समझा है। दीन उससे बहुत ऊपर की चीज है अजीज साथियों, दीन के तकाजे उससे बहुत ऊपर के। गौर कीजिएगा, तर्जुमा है और वो वाकया भी काबिले जिक्र है, जब हम जिन्नों के ग्रोह को तुम्हारी तरफ ले आए थे ताकि कुरान सुने, जब उस जगह पहुंचे जहां तुम कुरान पढ़ रहे थे तो उन्होंने आपस में कहा खामोश हो जाओ, फिर जब वो पढ़ा जा चुका तो वो खबरदार करने वाले बनकर अपनी कौम की तरफ पलटे। उन्होंने जाकर कहा ऐ हमारी कौम के लोगों, हमने एक किताब सुनी है जो मूसा अलैहिस्सलाम के पास नाजिल की गई है, तस्दीक करने वाली है, अपने से पहले आई हुई किताबों की रहनुमाई करती है हक और राह रास्त की तरफ। ऐ हमारी कौम के लोगों, अल्लाह की तरफ बुलाने वाले की दावत कबूल कर लो और उस पर ईमान ले आओ, अल्लाह तुम्हारे गुनाहों से दरगुजर फरमाएगा और तुम्हें अजाब अलीम से बचा देगा। जी साथियों, ये दावा करने वाले वो जिन थे जिन्होंने ताइफ से वापसी पर रात के अंधेरे में आपका आपकी तिलावत सुनी थी और तिलावत सुन के वो ईमान ले आए थे, लेकिन उन्हें उसी वक्त ये इदराक हो गया था, ये समझ आ गई थी कि काम सिर्फ ये नहीं है कि खैर मुझ तक पहुंचे और मैं उसे अपने तक समेट कर बैठ जाऊं, बल्कि ये बात मुझे आगे पहुंचानी है, मुझे अपने भाई बंदों को बताना है कि हक क्या है। ये मिसाल है मेरे और आपके लिए। अल्लाह कहते हैं इंसान नहीं मानेंगे तो और मखलूकात हैं जो तुम पर ईमान ले आएंगी, जो तुम्हारा साथ देंगी, जो तुम्हारे दीन को आगे दूसरों तक पहुंचाएंगी। अजी साथियों, अल्लाह ने मुझे और आपको बहुत ऊंचा दर्जा दिया है, बहुत ऊंचा दर्जा भी दिया और बहुत जिम्मेदारी भी, बड़ी जिम्मेदारी भी दी है। बुनियादी तौर पर मैं और आप अल्लाह के दीन के मुबल्लिग हैं, हमने दीन आगे पहुंचाना है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था बल्लिगु अन्नी वलाउ आया, मुझसे आगे पहुंचाओ भले एक आए थी क्यों ना हो। ये है मेरी और आपकी जिम्मेदारी। आगे तर्जुमा है, और जो कोई अल्लाह के दाई की बात ना माने वो ना जमीन में खुद कोई बलबूता रखता है कि अल्लाह को जिज कर दे और ना उसके लिए ना उसके कोई ऐसे हामी और सरपरस्त हैं
कि अल्लाह से उसको बचा लें, ऐसे लोग खुली गुमराही में पड़े हुए हैं। और क्या इन लोगों को ये सुझाई नहीं देता कि जिस खुदा ने ये जमीन और आसमान पैदा किए हैं और उनको बनाते हुए जो ना थका वो जरूर इस पर कातिर है कि मुर्दों को जिला उठाए? क्यों नहीं? यकीनन वो हर चीज की कुदरत रखता है। जिस रोज ये काफर आग के सामने लाए जाएंगे उस वक्त इनसे पूछा जाएगा क्या ये हक नहीं है, ये कहेंगे हाँ हमारे रब की कसम ये वाकई हक है। अल्लाह फरमाएगा अच्छा तो अब अजाब का मजा चखो अपने उस इनकार की पादाश में जो तुम करते रहे थे। बहुत सख्त आयत है। अलैसा हाज़ा बिलहक क़ालू बला व रब्बिना क़ाला फज़ूक़ुल अज़ाब बिमा कुंतुम तकफुरून। बस ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सबर करो जिस तरह उलुल अज़्म रसूलों ने सबर किया है, और उनके मामला में जल्दी ना करो। जिस रोज ये लोग उस चीज को देख लेंगे जिसका इन्हें खौफ दिलाया जा रहा है तो इन्हें यूं मालूम होगा कि जैसे दुनिया में दिन की एक घड़ी भर से ज्यादा नहीं रहे थे, बात पहुंचा दी गई। अब क्या नाफरमान लोगों के सिवा और कोई हलाक होगा? ये सवाल है अजीज साथियों जो कुरान अल्लाह ताला यानी कुरान में अल्लाह ताला मुझसे और आपसे कर रहे हैं। बलाहुन बात पहुंचा दी गई फहल युहलकु इल्लल कौमुल फासिकून। अब क्या नाफरमान लोगों के सिवा और कोई हलाक होगा? अल्लाह ताला हमें फरमा बरदार लोगों में शामिल करें, बहुत फरमा बरदार लोगों में। अल्हम्दुलिल्लाह सूरत खत्म हुई यहाँ पे हमारी। अब आगे बढ़ते हैं अजीज साथियों सूरत अहकाफ के बाद सूरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। इसका जो ऐसे मंजर है ये तकरीबन वही है, मुश्किल तरीन हालात हैं। मैं अभी इसको इनको दोहराती नहीं हूँ, वैसे तो खैर दिल करता है कि एक एक लफ्ज आपको सुनाऊं जिनमें से मुश्किल हालात में से नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनके साथी गुजर रहे थे। वक्त की कमी की वजह से छोड़ देती हूँ। इसका एक नाम सूरत किताल भी है। ये गज़वा बदर से पहले नाजिल हुई थी और मदीना में अब यानी नाजिल हुई थी और किताल का हुक्म इसमें दिया गया है। बहुत ही डायरेक्ट तरीके से अल्लाह ताला यानी शुरू कर रहे हैं इस सूरत को। तर्जुमा है बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जिन लोगों ने कुफर किया और अल्लाह के रास्ते से रोका अल्लाह ने उनके आमाल को रायगां कर दिया। खुद भी रुके और दूसरों को भी रोका, खुद भी दीन को पसंद नहीं किया अपने लिए और दूसरों के लिए भी ऐसी उनके साथ भी उनका मामला ऐसा ही रहा कि अगर कोई चलना भी चाहता था तो उसे भी रोक दिया। उन लोगों के लिए क्या है? अल्लाह ने उनके अमाल को रायगां कर दिया। और जो लोग ईमान लाए और जिन्होंने नेक अमल किया और उस चीज को मान लिया जो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नाजिल हुई है और है वो सरासर हक उनके रब की तरफ से, अल्लाह ने उनकी बुराइयां उनसे दूर कर दी और उनका हाल दुरुस्त कर दिया। सुभान अल्लाह, ये अल्लाह की मोहब्बत है अपने अपने बंदों के साथ जो उसको उसकी उसकी तरफ जाते हैं, उसकी बात मानते हैं, उसके दीन को अपना दीन बना लेते हैं, अल्लाह ताला उन्हें अपना बना लेता है। सुभान अल्लाह। ये इसलिए कि कुफर करने वालों ने बातिल की पैरवी की और ईमान लाने वालों ने उस हक की पैरवी की जो उनके रब की तरफ से आया है। इस तरह अल्लाह लोगों को उनकी ठीक ठीक हैसियत बताए देता है। बस जब इन काफरों से तुम्हारी मुठभेड़ हो तो पहला काम गर्दने मारना है, यहां तक कि जब तुम उनको अच्छी तरह कुचल दो तब कैदियों को मजबूत बांधो। इसके बाद तुम्हें इख्तियार एहसान करो या फिदिये का मामला कर लो ताकि लड़ाई अपने हथियार डाल दे। ये जंग के उसूल हैं जो बताए जा रहे हैं जी साथियों। तर्जुमा है, ये तुम्हारे करने का काम, अल्लाह चाहता है तो चाहता तो खुद ही उनसे निमट लेता मगर ये तरीका उसने इसलिए अख्तियार किया है ताकि तुम लोगों को एक दूसरे के जरिए से आजमाए और जो लोग अल्लाह की राह में मारे जाएंगे अल्लाह उनके आमाल को हरगिज जाया नहीं करेगा, वो उनकी रहनुमाई फरमाएगा, उनका हाल दुरुस्त कर देगा और उनको इस जन्नत में दाखिल करेगा जिससे वो उनको वाकिफ करा चुका है। वाकिफ तो मैं और आप भी हो चुके हैं अजीज साथियों, बड़ी खूबसूरती के साथ उस जन्नत से वाकिफ हुए हैं, उसकी एक एक चीज के बारे में पढ़ के यहाँ तक पहुंचे हैं। अल्लाह ताला हमें ऐसी वाकफियत दे दे जो हमारे अंदर वो तड़प पैदा कर दे कि हम उसके लिए भागने वाले बन जाए, बल्कि एक दूसरे से सबकत ले जाने की फिक्र हमारे अंदर पैदा हो जाए। आमीन। आगे तर्जुमा है, लोगों जो ईमान लाए अगर तुम अल्लाह की मदद करोगे तो वो तुम्हारी मदद करेगा और तुम्हारे कदम मजबूत जमा देगा। इसके हवाले से बड़ी खूबसूरत चीज है, जिंदगी के जिस दायरे में अल्लाह ताला ने इंसान को इरादा और इख्तियार की आजादी अता की है उसमें वो इंसान को कुफर या ईमान बगावत या अतात में से किसी एक राह के इख्तियार करने पर
اپنی خدائی طاقت سے مجبور نہیں کرتا. اس کے بجائے وہ دلیل اور نصیحت سے انسان کو اس بات کا قائل کرنا چاہتا ہے کہ انکار اور نافرمانی اور بغاوت کی آزادی رکھنے کے باوجود اس کے لیے حق یہی ہے کہ اس کی فلاح اور نجات کا راستہ بھی یہی ہے کہ اپنے خالق کی بندگی اور اطاعت اختیار کرے. اس طرح فہمائش اور نصیحت سے بندوں کو راہ راست پر لانے کی تدبیر کرنا یہ دراصل اللہ کا کام ہے, اور جو بندے اس کام میں اللہ کا ساتھ دیں ان کو اللہ اپنا رفیق اور مددگار قرار دیتا ہے, اور یہ وہ بلند سے بلند مقام ہے جس پر کسی بندے کی پہنچ ہو سکتی ہے. نماز, روزہ اور تمام اقسام کی عبادات میں تو انسان محض بندہ اور غلام بنتا ہے, مگر تبلیغ دین اور اقامت دین کی جد و جہد میں بندے کو خدا کی رفاقت اور مددگاری کا شرف حاصل ہوتا ہے جو اس دنیا میں روحانی ارتقاء کا سب سے اونچا مرتبہ ہے. یہ میرے اور آپ کے لیے یہ مرتبہ اللہ نے پسند کیا عزیز ساتھیو, اسی لیے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لوگوں جو ایمان لائے ہو اگر تم اللہ کی مدد کرو گے تو وہ تمہاری مدد کرے گا اور تمہارے قدم مضبوط جما دے گا. رہے وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا ہے تو ان کے لیے ہلاکت ہے اور اللہ نے ان کے اعمال کو بھٹکا دیا ہے کیونکہ انہوں نے اس چیز کو ناپسند کیا جسے اللہ نے نازل کیا ہے, لہٰذا اللہ نے ان کے اعمال ضائع کر دیے. کیا وہ زمین میں چلے پھرے نہ تھے کہ ان لوگوں کا انجام دیکھتے جو ان سے پہلے گزر چکے ہیں؟ اللہ نے ان کا سب کچھ ان پر الٹ دیا اور ایسے ہی نتائج ان کافروں کے لیے مقدر ہیں. یہ اس لیے کہ ایمان لانے والوں کا حامی و ناصر اللہ ہے اور کافروں کا حامی و ناصر کوئی نہیں. ایمان لانے والوں اور نیک عمل کرنے والوں کو اللہ ان جنتوں میں داخل کرے گا جن کے نیچے نہریں بہتی ہیں, اور کفر کرنے والے بس دنیا کے چند روزہ زندگی کے مزے لوٹ رہے ہیں, جانوروں کی طرح کھا پی رہے ہیں, اور ان کا آخری ٹھکانہ جہنم ہے. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم, کتنی بستیاں ایسی گزر چکی ہیں جو تمہاری اس بستی سے بہت زیادہ زور آور تھی جس نے تمہیں نکال دیا ہے, انہیں ہم نے اس طرح ہلاک کر دیا کہ کوئی ان کا بچانے والا نہ تھا. بہت اہم آیت ہے یہ. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ سے نکلے تھے اور آپ کو مکہ سے نکلنے کا بڑا رنج تھا, بڑی محبت تھی آپ کو مکہ سے, بڑی محبت تھی آپ کو خانہ کعبہ سے. جب آپ ہجرت پر مجبور ہوئے تو شہر سے باہر نکل کر آپ نے اس کی طرف رخ کر کے فرمایا تھا, اے مکہ تو دنیا کے تمام شہروں میں خدا کو سب سے زیادہ محبوب ہے اور خدا کے تمام شہروں میں مجھے سب سے بڑھ کر تجھ سے محبت ہے. اگر مشرکوں نے مجھے نہ نکالا ہوتا تو میں تجھے چھوڑ کر کبھی نہ نکلتا. اسی پر ارشاد ہوا ہے کہ اہل مکہ تمہیں نکال کر اپنی جگہ یہ سمجھ رہی ہے کہ انہوں نے کوئی بڑی کامیابی حاصل کی ہے, حالانکہ در حقیقت یہ حرکت کر کے انہوں نے اپنی شامت بلائی ہے. بہت محبت تھی عزیز ساتھیو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مکہ سے, اور ان کے لیے یہ وقت بہت مشکل تھا. ہم سمجھ سکتے ہیں جب ہمیں اپنی عزیز ترین چیزیں اختیاری طور پر چھوڑ کے جانی پڑ جاتی ہیں تو ہمارے دل پیچھے ہی رہ جاتے ہیں, انہیں میں لگے رہ جاتے ہیں. اللہ تعالیٰ بہت عزت کے ساتھ, بہت بہت تکریم کے ساتھ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس مکہ میں لے کے آیا دوبارہ, یہاں اس حالت میں کہ وہ مکہ کے فاتح تھے. سبحان اللہ, جو چیزیں ہم اللہ کے راستے میں چھوڑتے ہیں نا عزیز ساتھیو, اللہ ہمیں وہ کسی اور بہترین شکل میں دیتا ہے, وہ ہم نہیں جانتے. اس لیے اللہ پہ بھروسہ رکھنا چاہیے. اللہ کی خاطر جو چھوڑیں گے کبھی ہو نہیں سکتا کہ اس کا خوبصورت متبادل ہمیں نہ ملے. ترجمہ ہے, بھلا کہیں ایسا ہو سکتا ہے؟ ایک منٹ. انہیں ہم نے اس طرح ہلاک کر دیا کہ کوئی ان کا بچانے والا نہ تھا, بھلا کہیں ایسا ہو سکتا ہے کہ جو اپنے رب کی طرف سے ایک صاف اور صریح ہدایت پر ہو وہ ان لوگوں کی طرح ہو جائے جن کے لیے ان کا برا عمل خوش نما بنا دیا گیا ہے اور وہ اپنی خوش خواہشات کے پیرو بن گئے ہیں. پر پرہیزگاروں کے لیے جس جنت کا وعدہ کیا گیا ہے اس کی شان تو یہ ہے کہ اس میں نہریں بہہ رہی ہوں گی نتھرے ہوئے پانی کی. اب یہاں پہ عزیز ساتھیو جنت کا ایک اور ہی اللہ نے خوبصورت تعارف دیا ہے. جی اس میں چار مشروبات کا ذکر ہے. میری آپ سے درخواست ہے کہ ضرور پڑھیے گا اس کی ڈیٹیلز. اب میرے پاس تو وقت نہیں ہے کہ میں آپ کو اس کے حوالے سے ڈیٹیلز بتا سکوں, لیکن خود پڑھیے گا. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اس کی شان تو یہ ہے کہ اس میں نہریں بہہ رہی ہوں گی نتھرے ہوئے پانی کی, نہریں بہہ رہی ہوں گی ایسے دودھ کی جس کے مزے میں ذرا فرق نہ آیا ہوگا, نہریں بہہ رہی ہوں گی ایسی شراب کی جو پینے والوں کے لیے لذیذ ہوں گی, نہریں بہہ رہی ہوں گی صاف اور شفاف شہد کی, اس میں لوگوں کے لیے ہر طرح کے پھل ہوں گے اور ان کے رب کی طرف سے بخشش. بہت خوبصورت بات ہے, اس کو تھوڑا سا سمجھ لیتے ہیں. جنت کی نعمتوں کے بعد اللہ تعالیٰ کی طرف سے مغفرت کا ذکر کرنے کے دو مطلب ہیں,
हो सकते हैं। एक ये कि उन सारी नेमतों से बढ़कर ये नेमत है कि अल्लाह ताला उनकी मगफरत फरमा देगा। दूसरा मतलब यह है कि दुनिया में जो कुताइयां उनसे हुई थी उनका जिक्र तक जन्नत में कभी उनके सामने ना आएगा, बल्कि अल्लाह ताला उन पर हमेशा के लिए पर्दा डाल देगा ताकि जन्नत में वो शर्मिंदा ना हो। एक इंसान को खौफ रहता है, नेक नामी जब उसकी हो जाती है तो इंसान के अंदर कहीं होता है कि मेरी कोई ऐसी बात दूसरे को पता ना चल जाए जो उसने हालत जहालत में की, जाहिलियत में की होती है। लेकिन जन्नत की के लिए अल्लाह गारंटी देते हैं, जन्नत में पहुंच जाओगे तो कभी तुम्हारे गुनाह दूसरों के सामने नहीं खोले जाएंगे, कभी तुम्हारी खराबियां कमजोरियां बुराइयां किसी के सामने नहीं आएंगी। ये अल्लाह ताला की मगफरत का एक और खूबसूरत अंदाज है। अजीज साथियों, आगे तर्जुमा है, क्या वो शख्स जिसके हिस्से में ये जन्नत आने वाली है उन लोगों की तरह हो सकता है जो जहन्नुम में हमेशा रहेंगे और जिन्हें ऐसा गर्म पानी पिलाया जाएगा जो उनकी आंतें तक काट देगा। इनमें से कुछ लोग ऐसे हैं जो कान लगाकर तुम्हारी बात सुनते हैं और फिर जब तुम्हारे पास से निकलते हैं तो उन लोगों से जिन्हें इल्म की नेमत बख्शी गई है पूछते हैं कि अभी अभी उन्होंने क्या कहा था। ये वो लोग हैं जिनके दिलों पर अल्लाह ने ठप्पा लगा दिया और वो अपनी ख्वाहिशात के पैरों बने हुए हैं। उन्हें वो लोग जिन्होंने हिदायत पाई है, अल्लाह उनको और ज्यादा हिदायत देता है और उन्हें उनके हिस्से का तकवा अता फरमाता है। अब क्या ये लोग बस क़यामत ही के मुंतजिर हैं कि वो अचानक इन पर आ जाए? उसकी अलामत तो आ चुकी हैं, जब वो खुद आ जाएगी तो उनके लिए नसीहत कबूल करने का कौन सा मौका बाकी रह जाएगा? बस नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, खूब जान लो कि अल्लाह के सिवा कोई इबादत का मुस्तहिक नहीं है और माफी मांगो अपने कसूर के लिए भी और मोमिन मर्दों और औरतों के लिए भी। अल्लाह तुम्हारी सरगर्मियों को भी जानता है और तुम्हारे ठिकाने से भी वाकिफ है। ये बड़ी अहम बात है, ये बहुत अहम अखलाकी उसूल है जो अल्लाह ताला यहाँ पे हमें सिखा रहे हैं। यानी इंसान जब अपने रब की बंदगी और इबादत बजा लाने में और उसके दीन की खातिर जान लड़ाने में ख्वाह अपनी हद तक कितनी कोशिश करता रहा हो, उसको कभी इस जोम में उबतला नहीं होना चाहिए कि जो कुछ मुझे करना चाहिए था वो मैंने कर दिया, बल्कि उसे हमेशा यही समझते रहना चाहिए कि मेरे मालिक का मुझ पर जो हक था वो मैं अदा नहीं कर सका हूं। और हर वक्त अपने कसूर का एतराफ करके अल्लाह से यही दुआ करते रहना चाहिए कि तेरी खिदमत में जो कुछ भी कुताही मुझसे हुई है उससे दरगुजर फरमा। यही असल रूह है अल्लाह ताला के इरशाद की, क्या नबी अपने कसूर की माफी मांगो। हम सब जानते हैं कि जब सूरत नसर नाजिल हुई थी तो उसके बाद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कसरत से अल्लाहुम्मा हासिबनी हिसाबन यसीरा पढ़ना शुरू कर दिया था कि जाहिर है वो उनको अंदाजा था कि अब यानी उनका वक्त जो है वो करीब है। और इतना बड़ा काम जो उन्होंने किया था और इतनी खूबसूरती के साथ किया था, उसके बाद भी उनका ये हाल था कि वो इस्तिगफार की कसरत थी जो उन्होंने उस वक्त उसके बाद खास तौर पर कर दी थी। अजीज साथियों, हम भी अपने दीन पर अमल करने के एतबार से, दीन का काम करने के एतबार से हमें जो जिम्मेदारियां दी जाती हैं हम उनको, जाहिर है हमारी पहली कोशिश होती है हम उनको बेहतरीन अंदाज में करें, लेकिन हम कुछ जानते भी हैं और कुछ नहीं भी जानते कि कहाँ कहाँ कमियां कोताहियां हमसे रह जाती हैं। इसलिए मेरा और आपका काम यह है कि हमारे अंदर जितना अल्लाह हमें दीन में आगे लेके चलता चला जाए, एक तो हर वक्त उससे बेहतरीन की तौफीक मांगनी चाहिए और दूसरा इस्तग़फार, या अल्लाह जो कमियां रह गई हैं जो कुताहियां होगी या अल्लाह तुमसे दरगुजर फरमा ले, तो हमें माफ फरमा दे, तो हमारे कसूरों से सरफ नजर कर जाए या इलाही। इसलिए कि हम बहुत कमजोर हैं और ये मुमकिन नहीं है कि हम वो हक अदा कर सकें जो अल्लाह की तरफ से दीन जिम्मेदारियों का असल हक हमारे ऊपर है। आगे तर्जुमा है, अल्लाह तुम्हारी सरगर्मियों को भी जानता है और तुम्हारे ठिकाने से भी वाकिफ है। जो लोग ईमान लाए हैं वो कह रहे थे कि कोई सूरत क्यों ना नाजिल की जाती, नहीं की जाती जिसमें जंग का हुक्म दिया जाए, मगर जब एक मोहकम सूरत नाजिल कर दी गई, यानी ऐसी सूरत जिसमें हुक्म दे दिया गया जहाद का, जिसमें जंग का जिक्र था, तो उन्होंने देखा कि जिनके दिलों में बीमारी थी वो तुम्हारी तरफ इस तरह देख रहे थे कि जैसे किसी पर मौत छा गई हो। अफसोस उनके हाल पर, उनकी जुबान पर है इताअत का इकरार, अच्छी अच्छी बातें, मगर जब कतई हुक्म दे दिया गया तो उस वक्त वो अल्लाह से अपने अहद में सच्चे निकलते तो उन्हीं के लिए अच्छा था। अब क्या तुम लोगों से इसके सिवा को छोड़ तो की जा सकती है कि अगर तुम उल्टे मुंह फिर गए तो जमीन में फिर फसाद बर्पा करोगे और आपस में एक दूसरे के गले काटोगे? ये लोग हैं जिन पर अल्लाह ने लानत की है और इनको अंधा और बहरा बना दिया। क्या इन लोगों ने कुरान पर गौर नहीं किया या दिलों पर उनके कुफल चढ़े हुए हैं? हकीकत यह है कि जो लोग हिदायत वाकया हो जाने के बाद उससे फिर गए, उनके लिए शैतान ने इस रविश को सहल बना दिया और झूठी तवक्कुआत का सिलसिला उनके लिए दराज कर रखा है।
इसीलिए उन्होंने अल्लाह के नाजिल करदा दीन को नापसंद करने वालों से कह दिया कि बाज मामलात में हम तुम्हारी मानेंगे। अल्लाह उनकी ये खुफिया बातें खूब जानता है। फिर इस वक्त क्या हाल होगा जब फरिश्ते उनकी रूहें कब्ज करेंगे और उनके मुंह और पीठों पर मारते हुए उन्हें ले जाएंगे। ये इसीलिए तो होगा कि उन्होंने उस तरीके की पैरवी की जो अल्लाह को नाराज करने वाला है और उसकी रजा का रास्ता इख्तियार करना पसंद ना किया। इसी बिना पर उसने उनके सब अमाल जाया कर दिया। क्या वो लोग जिनके दिलों में बीमारी है ये समझे बैठी है कि अल्लाह उनके दिलों की खोट जाहिर नहीं करेगा? हम चाहें तो उन्हें तुमको आंखों से दिखा दे और उनके चेहरों से तुम उनको पहचान लो, मगर उनके अंदाजे कलाम से तो तुम उनको जान ही लोगे। अल्लाह तुम सबके आमाल से खूब वाकिफ है। हम जरूर तुम लोगों को आजमाइश में डालेंगे ताकि तुम्हारे हालात की जांच करें और देख लें कि तुम में मुजाहिद और साबित कदम कौन है। ये तो अल्लाह की सुन्नत है अजीज साथियों। दुनिया तो है ही आजमाइश। ये जिंदगी जो मुझे आपको दी गई है ये एक टेस्ट ही तो है। अल्लाह देखना ही तो चाहता है कि जब दीन हम तक पहुंच गया, जब हमने अल्लाह के कुरान को इतनी अल्हम्दुलिल्लाह तवज्जो से सुन लिया, इतने दिन लगा दिए और फिर क्लासों से जुड़े हुए अल्हम्दुलिल्लाह, कुरान को पढ़ने की फिक्र है, उसे जुड़ने की फिक्र है, तो फिर अपने आप को हम कितना उसके मुताबिक ढालते हैं। हम में से फिर कौन है जो वाकई मुजाहिद बनता है इस चीज के लिए, मुजाहिदा करता है और फिर साबित कदम भी रहता है। आगे तर्जुमा है, जिन लोगों ने कुफर किया और अल्लाह की राह से रोका और रसूल से झगड़ा किया जबकि उन पर राह रास्त वाजे हो चुकी थी, दर हकीकत वो अल्लाह का कोई नुकसान भी नहीं कर सकते थे बल्कि अल्लाह ही ने उनका सब किया कराया गारत कर देगा। अल्लाह को जो ईमान लाए हो तुम अल्लाह की इताअत करो, रसूल की इताअत करो और अपने अमाल को बर्बाद ना कर लो। कुफर करने वालों और राह खुदा से रोकने वालों और मरते दम तक कुफर पर जमे रहने वालों को तो अल्लाह हरगिज माफ ना करेगा। बस तुम बोदे ना बनो और सुलह की दरख्वास्त ना करो, तुम ही गालिब रहने वाले हो। अल्लाह तुम्हारे साथ है और तुम्हारे अमाल को वो हरगिज जाया ना करेगा। यानी इस ये जो आयात जिस वक्त नाजिल हुई है, मदीने की छोटी सी बस्ती में चंद सौ मुहाजिरीन और अंसार की एक मुट्ठी भर जमीयत इस्लाम की अलमबरदारी कर रही थी और उसका मुकाबला महज कुरैश के ताकतवर कबीले ही से नहीं बल्कि पूरे मुल्क अरब के कुफारों मुशरिकीन से था। इस हालत में फरमाया जा रहा है कि हिम्मत हार कर इन दुश्मनों से सुलह की दरख्वास्त ना करने लगो बल्कि सर धड़ की बाजी लगा देने के लिए तैयार हो जाओ। इस इरशाद का ये मतलब नहीं है कि मुसलमानों को कभी सुलह की बातचीत करनी ही नहीं चाहिए, बल्कि इसका मतलब ये है कि ऐसी हालत में सुलह की सुलह करना दुरुस्त नहीं है जब उसके मानी अपनी कमजोरी के इजहार की और उससे दुश्मन और ज्यादा दिलेर हो जाए। साथियों अगर हम गौर करें तो गजवाए बदर में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पेशे नजर ये हिकमत भी थी कि अगर आज हम नहीं उठेंगे तो फिर शायद कभी ना उठ सकें। इसलिए जो चीज इंसानों को अपने मादी वसाइल कम होने के बावजूद मुसलमानों को हक के लिए खड़ा होने पर खड़ा होने का जज्बा देती है वो यही चीज है कि वो अपने आप को मनवाने के लिए बहरहाल फिर इंसान को खड़ा होना पड़ता है, खड़ा होना चाहिए, तभी वो अपने दीन की हिफाजत भी कर सकता है। आगे तर्जुमा है कि दुनिया की जिंदगी तो एक खेल और तमाशा है, अगर तुम ईमान रखो और तकवा के रविश पर चलते रहो तो अल्लाह तुम्हारे अजर तुमको देगा और वो तुम्हारे माल तुमसे ना मांगेगा। अगर कहीं वो तुम्हारे माल तुमसे मांग ले और सबके सब तुमसे तलब कर ले तो तुम बुखल करोगे और तुम्हारे कोट उभार लाएगा। देखो तुम लोगों को दावत दी जा रही है कि अल्लाह की राह में माल खर्च करो, ये मुझे और आपको भी दावत दी जा रही है अजीज साथियों। इस पर तुम में से कुछ लोग हैं जो बुखल कर रहे हैं, हालांकि जो बुखल करता है वो दर हकीकत अपने आप ही से बुखल कर रहा है। अल्लाह तो गनी है, तुम ही उसके मोहताज हो। अगर तुम मुंह मोड़ोगे तो अल्लाह तुम्हारी जगह किसी और कौम को ले आएगा और वो तुम जैसे ना होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह सूरत मोहम्मद मुकम्मल हुई है जी साथियों। सूरत फतह शुरू करते हैं। सूरत फतह जिस तरह सूरत मोहम्मद में हमने वाकया ताइफ को देखा है, सूरत फतह जो है ये सुलह हुदैबिया जो है उसके हवाले से है। इंतहाई अहम सूरत है, इंतहाई अहम है, छोटी सी सूरत है, 29 इसकी आयतें हैं, लेकिन शायद ही कोई आयत हो जिसके ऊपर गौर व फिक्र करने को दिल ना करता हो। मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि इस सूरत को खुद तवज्जो के साथ पढ़िए, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मिशन को समझने के लिए पढ़िए, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उन तकालीफ को समझने के लिए पढ़िए जो उन्होंने उठाई थी। इंशाल्लाह इंशाल्लाह अल्लाह हमें अपना कुर्ब अता करेगा, अल्लाह हमें अपने नबी के मिशन का फहम देगा, अल्लाह ताला हमारे अंदर वो जज्बे पैदा करेगा कि हम आगे बढ़ के अल्लाह के नबी के मिशन का हिस्सा बनेंगे इंशाल्लाह ताला।
अच्छा इसमें अब पूरा एक बैकग्राउंड है, थोड़ी सी लंबी बात है, मैं तवक्को करती हूँ कि आप तवज्जो से सुनेंगे। सुनानी इसलिए भी जरूरी है क्योंकि फिर आयात को समझने में आसानी होगी, और इसलिए भी जरूरी है कि चले दौरे कुरान के बहाने हम इस वाक्य को एक दफा फिर सुने, एक याद दहानी हो, वो हालात हमारी कानों से हमारी समातों से टकराएं जिनसे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गुजरे थे। कुछ इस तरह से है कि एक रोज रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ख्वाब में देखा कि आप अपने अस्हाब के साथ मक्का मौजमा तशरीफ ले गए हैं और वहां उमरा अदा कर रहे हैं। बज़ाहिर असबाब इस हिदायत पर अमल करने की कोई सूरत मुमकिन नजर ना आती थी। कुफारे कुरैश ने 6 साल से मुसलमानों के लिए बैतुल्ला का रास्ता बंद कर रखा था और इस पूरी मुद्दत में किसी मुसलमान को उन्होंने हज और उमरे तक के लिए हुदूद हरम के करीब ना फटकने दिया था। गौर कर लीजिए हालात क्या थे। मगर पैगंबर का मनसब यह था कि उसका रब जो हुक्म भी उसको दे वो बेखटके उस पर अमल कर गुजरे। इसलिए रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बिला तामुल अपना ख्वाब सहाबा कराम को सुनाकर सफर की तैयारी शुरू कर दी। आसपास के कबाइल में भी आपने ऐलान फरमा दिया कि जो जाना चाहता है उम्रे पर वो हमारे साथ चले। जिन लोगों की निगाह जाहिरी असबाब पर थी उन्होंने समझा कि ये लोग मौत के मुंह में जा रहे हैं। उनमें से कोई आपके साथ चलने पर आमादा ना हुआ, मगर जो अल्लाह और उसके रसूल पर सच्चा ईमान रखते थे उन्हें इस अमर की कोई परवाह ना थी कि अंजाम क्या होगा। ज़िकात 6 हिजरी के आगाज में ये मुबारक काफिला मदीना से रवाना हुआ। ज़ुल हलीफा पहुंचकर सबने उमरे का एहराम बांधा। कुर्बानी के लिए 70 ऊंट साथ लिए जिनकी गर्दनों में हदी की अलामत के तौर पर कलावे पड़े हुए थे। परतिलों में सिर्फ एक एक तलवार रख ली जिसकी तमाम जायरीन हरम को अरब के मारूफ कायदे के मुताबिक इजाजत थी और इसके सिवा कोई सामान जंग साथ ना लिया। और ये काफिला जो है वो लबैक लबैक की सदाए बुलंद करता हुआ बैतुल्ला की तरफ चल पड़ा। यानी वाजे तौर पर इस काफिले को जो भी देखता था या देखता होगा उसको पता चलता होगा कि ये अल्लाह ताला के काबे का तवाफ करने आए हैं, उमरा करने के लिए आए हैं। एक मिनट। अच्छा आगे जो हालात हमारे सामने आते हैं वो इस तरह से हैं कि ज़िकात का महीना उन हराम महीनों में से था जो सदहा बरस से अरब में हज व ज़ियारत के लिए मोहतरम समझे जाते थे। इस महीने में जो काफिला एहराम बांधकर हज या उमरे के लिए जा रहा हो उसे रोकने का किसी को हक नहीं था। हत्ता कि किसी कबीले से उसकी दुश्मनी भी हो तो अरब के कवानीन की रूह से वो अपने इलाके से उसके गुजरने में माने नहीं हो सकता था। यानी वो उसको अपने इलाके से गुजरने से मना नहीं कर सकता था। कुरैश के लोग इस उलझन में पड़ गए कि अगर हम मदीने के इस काफिले पर हमला करके उसे मक्का मुआज़मा में दाखिल होने से रोकते हैं तो पूरे मुल्क में इस पर शोर मच जाएगा। अरब का हर शख्स पुकार उठेगा कि यह सरासर ज्यादती है, ये ऐसी गलती होगी जिससे सारा अरब हमसे मुनहरिफ हो जाएगा। मुशरिकीन को इस बात की समझ आती थी लेकिन अगर हम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इतने बड़े काफिले के साथ बखैरियत अपने शहर में दाखिल हो जाने देते हैं तो पूरे मुल्क में हमारी हवा उखड़ जाएगी और लोग कहेंगे कि हम मोहम्मद से मरूब हो गए सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आखिरकार बड़ी शशोपंच के बाद उनको उनकी जाहिलाना हमीयत ही उन पर गालिब आकर रही और उन्होंने अपनी नाक की खातिर ये फैसला कर लिया कि किसी कीमत पर इस काफिले को अपने शहर में दाखिल नहीं होने देना है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बनी काब के एक शख्स को मुखबर की हैसियत से आगे भेज रखा था ताकि वो कुरैश के इरादों और उनकी नकलो हरकत से आपको बर वक्त मुतला करता रहे। जब आप उस फान पहुंचे तो उसने आकर आपको इतला दी कि कुरैश के लोग पूरी तैयारी के साथ जीतुबा के मुकाम पर पहुंच गए हैं और खालिद बिन वलीद को उन्होंने 200 सवारों के साथ आगे भेज दिया है ताकि वो आपका रास्ता रोके। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये इत्तला पाते ही फौरन रास्ता बदल दिया और एक निहायत दुश्वार गुजार रास्ता से सख्त मुशक्कत उठाकर हुदैबिया के मुकाम पर पहुंच गए जो ऐन हरम की सरहद पर वाकिया था। यहाँ बनी खुजा का सरदार अपने कबीले के चंद आदमियों के साथ आपसे के पास आया और उसने पूछा कि आप किस कर्ज के लिए आए हैं। आपसे फरमाया हम किसी से लड़ने नहीं आए, सिर्फ बैतुल्ला की जियारत और उसका तवाफ हमारे पेशे नजर है। यही बात इन लोगों ने जाकर कुरैश के सरदारों को बता दी और उनको मशवरा दिया कि वो इन जायरीन हरम का रास्ता ना रोकें मगर वो अपनी जिद पर अड़े रहे। और इसके बाद उन्होंने और भी लोगों को भेजा नबी सल्लम से डायलॉग करने के लिए लेकिन हर फर्ज जो था वो जाके यही बात करता था कि नबी सल्लम जो है वो लड़ने के लिए नहीं आए हैं बल्कि उमरा करने के लिए आया। फिर कुरैश की तरफ से उरवा बिन मसूद सकफी आया
उसने बड़ी नजदीक अपने नजदीक बड़ी ऊंच नीच समझा कर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इस बात पर आमादा करना चाहा कि आप अपने इरादे से बाज आ जाएं, लेकिन उन्होंने भी फिर उन्हें भी उसे भी वही जवाब दिया जो पहले दे चुके थे। वापस जाकर उर्वा ने कुरैश के लोगों से कहा कि मैं कैसरो किसरा और नजाशी के दरबारों में भी गया हूँ, मगर खुदा की कसम मैंने असहाबे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जिस तरह मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फिदाई देखा है, ऐसा मंजर किसी बड़े से बड़े बादशाह के हाँ भी नहीं देखा। इन लोगों का हाल तो ये है कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वुजू करते हैं तो उनके असहाब पानी का एक कतरा तक जमीन पर नहीं गिरने देते और सब अपने जिस्म और कपड़ों पर मल लेते हैं। अब तुम लोग सोच लो कि तुम्हारा मुकाबला किस से है। अजी साथियों, उनकी मोहब्बत सिर्फ इतनी ही नहीं थी कि वो उस पानी को वो जो कतरे थे जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वजू के पानी से गिरते थे उसको जिस्म पर मल लेते थे, बल्कि ये सुलह हुदैबिया का वाक्या हमें बताता है कि वो वाकई फिदाई थे, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर अपनी जान भी कुर्बान करने के लिए तैयार थे। हमसे ऐसा कोई तकाजा नहीं है कि हम नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर जान कुर्बान कर दें। हमारे से सिर्फ तकाजा है तो ये है कि हम दीन को अपनी जिंदगी में लाएं और दूसरों की जिंदगियों को मुनव्वर करने के लिए इस जिद्दोजहद का हिस्सा बन जाएं। आगे है कि इस दौरान में जबकि एलचियों की आमदोरफ्त और गुफ्तगू शनीद का ये सिलसिला जारी था, कुरैश के लोग बार बार ये कोशिश करते रहे कि चुपके से रसूल सल्लम के कैंप पर छापे मारकर सहाबों को इश्ताल दिलाएं और किसी ना किसी तरह उनसे कोई ऐसा इकदाम करा ले जिससे लड़ाई का बहाना हाथ आ जाए, मगर ऐसा होना ऐसा कुछ भी ना हुआ। आखिरकार हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद अपनी तरफ से हजरत उस्मान रजी अल्लाह तआला अन्हु को एलची बनाकर मक्का भेजा और उनके जरिए से सरदाराने कुरैश को यह पैगाम दिया कि हम जंग के लिए नहीं बल्कि जियारत के लिए हदी साथ लेकर आए हैं, तवाफ और कुर्बानी करके वापस चले जाएंगे। मगर वो लोग ना माने और हजरत उस्मान रजी अल्लाह तआला अन्हु को मक्का ही में रोक लिया। इस दौरान ये खबर उड़ गई कि हजरत उस्मान रजी अल्लाह तआला अन्हु कत्ल कर दिए गए हैं। अब मजीद तहम्मुल का कोई मौका ना था, मक्का में दाखिले की बात तो दूसरी तरफ उसके लिए ताकत का इस्तेमाल हरगिज़ पेश नजर ना था, मगर जब नौबत सफीर के कत्ल तक पहुंच गई तो फिर इसके सिवा कोई चारा बाकी ना रहा कि मुसलमान जंग के लिए तैयार हो जाएं। चुनाचे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने तमाम साथियों को जमा किया और उनसे इस बात पर बैत ली कि अब यहां से हम मरते दम तक पीछे नहीं हटेंगे। मौका की नजाकत निगाह में हो तो आदमी समझ सकता है कि ये कोई मामूली बैत ना थी। मुसलमान सिर्फ 1400 थे और किसी सामान्य जंग के बगैर आए थे, सिर्फ एक एक तलवार थी उनके पास जो कि जंग की नीयत से नहीं थी। अपने मरकज से 250 मील दूर ऐन मक्का की सरहद पर ठहरे हुए थे जहां दुश्मन अपनी पूरी ताकत के साथ उन पर हमला आवर हो सकता था और गिर्दोपेश से अपने हामी कबीलों को लाकर भी उन्हें घेरे में ले सकता था। यानी ये हालत थी, इसके बावजूद एक शख्स के सिवा पूरा काफिला नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हाथ पर मरने मारने की बैत करने के लिए बिला तामुल आमादा हो गया। इसे भरकर उन लोगों के इखलास ईमानी और राह खुदा में उनकी फिदायत का और क्या सबूत हो सकता है। यही वो बैत है जो बैत रिजवान के नाम से तारीख इस्लाम में मशहूर है। बाद में मालूम हुआ कि हजरत उस्मान के जो कत्ल की खबर थी गलत थी, हजरत उस्मान खुद भी वापस आ गए और कुरैश की तरफ से सुहेल बिन अमरू की क्यादत में एक वफद भी सुलह की बातचीत करने के लिए हजरत सल्लम के कैंप में पहुंच गया। अब कुरैश अपनी इस जिद से हट गए थे कि वह हजरत सल्लम को और आप सल्लम के साथियों को सिरे से मक्का में दाखिल ही ना होने देंगे। अलबत्ता अपनी नाक बचाने के लिए इनको सिर्फ ये इसरार था कि आप इस साल वापस चले जाएं, आइंदा साल आप उम्रा के लिए आ सकते हैं। अब आगे वो शराइत हैं जिस पर ये मुआहिदा हुआ था। लेकिन अजीज साथियों, सोचने की बात ये है कि वो साजिशें, वो प्लानिंग्स जो इंसान बड़ी चलाकी के साथ दूसरे को नुकसान पहुंचाने के लिए करता है, उसको अंदाजा नहीं होता कि ये सारी प्लानिंग्स असल में उसके अपने खिलाफ जाने वाली हैं। जो शराइत रखी गई थी वो ये थी, जो कि बहुत सख्त शराइत थी। सबसे पहली क्या थी, 10 साल तक फरीकैन के दरमियान जंग बंद रहेगी और एक दूसरे के खिलाफ खुफिया या अलानिया कोई कार्रवाई ना की जाएगी। बड़ा सोच समझ के ये शराइत जो थी वो तय की थी उन्होंने। पॉइंट नंबर टू है, इस दौरान में कुरैश का जो शख्स अपने वली की इजाजत के बगैर भागकर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास जाएगा उसे आप वापस कर देंगे और आपके साथियों में से जो शख्स कुरैश के पास चला जाएगा उसे वापस नहीं किया जाएगा। थर्ड पॉइंट था कबाइल अरब में से जो कबीला भी फरीकैन में से किसी एक का दोस्त बनकर हलीफ बनकर इस माहदे में शामिल होना चाहेगा उसे इसका इख्तियार होगा। पॉइंट फोर था, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस साल वापस जाएंगे और आइंदा साल वो उम्रे के लिए आकर 3 दिन मक्का में ठहर सकते हैं बशर्ते के सिर्फ एक एक तलवार लेकर आए और कोई सामान हरब साथ ना लाए।
और इन 3 दिनों में अहले मक्का उनके लिए शहर खाली कर देंगे ताकि किसी तसादुम की नौबत ना आए, मगर वापस जाते हुए वो यहाँ के किसी शख्स को अपने साथ ले जाने के मजाज ना होंगे। जिस वक्त इस माहदे की शराइत तय हो रही थी, मुसलमानों का पूरा लश्कर सख्त मुस्तरिब था। कोई शख्स भी इन मसलहतों को नहीं समझ रहा था जिन्हें निगाह में रख कर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये शराइत कबूल फरमा रहे थे। किसी की नजर उतनी दूर रस ना थी कि इस सुलह के नतीजे में जो खैर अजीम रोनमा होने वाली थी उसे देख सके। कुफारे कुरैश उसे अपनी कामयाबी समझ रहे थे और मुसलमान इस पर बेताब थे कि हम आखिर दब कर ये जलील शराइत क्यों कबूल करें। हजरत उमर जैसे बालिग नजर मुदब्बर तक का ये हाल था कि वो कहते हैं, मुसलमान होने के बाद कभी मेरे दिल में शक ने राह ना पाई थी, मगर इस मौका पर मैं भी इससे महफूज न रह सका। सोचने का मुकाम है अजीज साथियों, हजरत उमर जैसा बंदा जो है वो भी सवाल उठाता है। वो बेचैन होकर हजरत अबू बकर रजी अल्लाह तआला अन्हु के पास गए और कहा, क्या हजरत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के रसूल नहीं है? क्या हम मुसलमान नहीं है? क्या ये लोग मुशरिक नहीं है? फिर आखिर हम अपने दीन के मामले में ये जिल्लत क्यों इख्तियार करें? उन्होंने जवाब दिया, ए उमर, वो अल्लाह के रसूल हैं और अल्लाह उनको हर गिज जाया ना करेगा। फिर उनसे सब्र ना हुआ, जाकर यही सवालात खुद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से भी किए और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी उनको वैसा ही जवाब दिया जैसा हजरत अबू बकर ने दिया था। बाद में हजरत उमर मुद्दतों उस पर नवाफिल और सदकात अदा करते रहे ताकि अल्लाह ताला उस गुस्ताखी को माफ फरमा दे जो उस रोज उनसे शान रसालत में हो गई थी। अजी साथियों, अल्लाह अपने नबी को जाया नहीं करेगा। हम अल्लाह के नबी का काम नहीं करेंगे, हम उसके मिशन का हिस्सा नहीं बनेंगे, हम उन लोगों का साथ नहीं देंगे जो दीन का काम कर रहे हैं, तो अल्लाह कुछ और लोगों को उठा देगा। लेकिन अल्लाह अपने नबी का साथ देने के लिए हमेशा ऐसे लोगों को आगे लाता रहेगा जो अपनी इस्तेआत में जो जिस हद तक उसके नबी के लिए नबी के मिशन में हिस्सा डाल सकेंगे डालते रहेंगे। हमारा काम यह है कि जब हमें बुलाया जाए, जब हमें दावत सुनाई जाए, तो हम उस पर लब्बैक कहने वाले हों। आगे मजीद इस वाक्य में यह है कि जलती पर तेल का काम जिस वाक्य ने किया वो ये था, कि ऐन उस वक्त जब सुलह का मुआहिदा लिखा जा रहा था, सुहेल बिन अमरू के अपने साहबजादे अबू जंदल जो मुसलमान हो चुके थे और कुफारे मक्का ने उनको कैद कर रखा था, किसी ना किसी तरह भाग कर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कैंप में पहुंच गए। उनके पाओं में बेड़ियां थी और जिस्म पर तशद्दुद के निशानात थे। उन्होंने हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से फरियाद की कि मुझे इस हबसे बेजा से निजात दिलाई जाए। सहाबा कराम के लिए हालात देखकर जब्त करना मुश्किल हो गया, मगर सुहेल बिन उमरू ने कहा कि सुलहनामे की तहरीर चाहे मुकम्मल ना हुई हो, शराइत तो हमारे और आपके दरमियान तय हो चुकी है, इसलिए इस लड़के को मेरे हवाले किया जाए। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसकी हुज्जत तस्लीम फरमा ली और अबू जंदल जालिमों के हवाला कर दिए गए। सुलह से फारिग होकर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा से फरमाया कि अब यही कुर्बानी करके सर मुंडवाओ और अहराम खत्म कर दो, मगर कोई अपनी जगह से ना हिला। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 3 मरतबा हुक्म दिया, मगर सहाबा पर उस वक्त रंजो गम और दिल शिकस्तगी का ऐसा शदीद गलबा था कि उन्होंने अपनी जगह से हरकत तक ना की। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पूरे दौरे रसालत में इस एक मौका के सिवा कभी ये सूरत पेश ना ही आई कि आप सहाबा को हुक्म दें और वो उसकी तामील के लिए दौड़ ना पड़े। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इस पर सख्त सदमा हुआ और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने खैमे में जाकर उम्मुल मोमिनीन हजरत उम्मे सलमा से अपनी कबीदा खातरी का इजहार फरमाया। उन्होंने अर्ज किया कि आप बस खामोशी के साथ तशरीफ ले जाकर खुद अपना ऊंट ज़बह फरमाएं और हुज्जाम को बुलाकर अपना सर मंडवा लें। इसके बाद लोग खुद ब खुद आपके अमल की पैरवी करेंगे और समझ लेंगे कि जो फैसला हो चुका है वह बदलने वाला नहीं है। चुनाचे ऐसा ही हुआ और आपके फेल को देखकर लोगों ने भी कुर्बानियां कर ली, सर मंडवा लिए या बाल तरशवा लिए और एहराम से आए, मगर दिल उनके गम से कटे जा रहे थे। ये प्लीज किसी का माइक अनम्यूट है उसे म्यूट कर दीजिए। आज की चीज को यहीं पर मुकम्मल करते हैं। हमने सूरत फतह जो है वो इंशाल्लाह कल शुरू करनी है। आज का मकारे में जो अखलाक है वो है गरीबों के साथ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शफकत व मोहब्बत। गुरबा और मुफलिस इस्लाम, मुफलिस इस्लाम के सबसे पहले जानिसार बने थे। हजरत सल्लम इनको लेकर हरम में नमाज पढ़ने जाते थे तो रोसाए कुरैश उनकी जाहिरी बदहैसियती को देखकर इस्तेहजा करते थे। कहते थे, यही वो लोग हैं जिन पर खुदा ने हम लोगों को
छोड़ कर एहसान किया, लेकिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनके इस इस्तेहजा को खुशी से बर्दाश्त करते थे। अब्दुल्ला बिन उमरू बिन अल आस रवायत करते हैं कि एक दफा मस्जिद नबवी में बैठा था, यानी कि वो बैठे हुए थे और गरीब मुहाजिर लोग हल्का बांधे एक तरफ बैठे थे। इसी इसना में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ ले आए और उन्हीं के साथ मिलकर बैठ गए। ये देखकर मैं भी अपनी जगह से उठा और उनके पास जाकर बैठ गया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, फुकराए मुहाजरीन को बशारत हो कि वो दौलत मंदों से 40 बरस पहले जन्नत में दाखिल होंगे। अब्दुल्ला बिन उमरू कहते हैं कि मैंने देखा कि ये सुनकर उनके चेहरे खुशी से दमक उठे और मुझे हसरत हुई कि काश मैं भी उन्हीं में होता। हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अक्सर दुआ में फरमाया करते थे, खुदावंदा मुझे मिस्कीन जिंदा रख, मिस्कीन उठा और मिस्कीनों ही के साथ मेरा हशर कर। हजरत आयशा रजी अल्लाह ताला अन्हा ने दरियाफ्त किया, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये क्यों फरमाया? इसलिए कि ये दौलतमंदों से पहले जन्नत में जाएंगे। फिर फरमाया, आयशा किसी मिस्कीन को अपने दरवाजे से ना मुराद ना फेरो, गो छुहारे का एक टुकड़ा ही क्यों ना हो। ऐ आयशा, गरीबों से मोहब्बत रखो और उनको अपने से नजदीक करो तो खुदा भी तुमको अपने से नजदीक करेगा। आज का एक्शन प्लान देख लेते हैं अजीज साथियों, नेक्स्ट स्लाइड शेयर कर दीजिए प्लीज। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गरीबों के साथ मोहब्बत और शफकत का मामला करते थे। जायजा लीजिए, मुआशरे के गरीब और मिस्कीन तबके के साथ मेरा रवैया क्या होता है? क्या मैं उन्हें नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरह इज्जत की निगाह से देखती हूँ और उनकी गुर्बत के बावजूद उन्हें काबिले इज्जत और एहतराम समझती हूँ, या अल्लाह ताला ने जो मुझ पर अपना फजल किया है यानी दौलत और इज्जत से नवाजा है उसे अपना कमाल समझते हुए उनके साथ मेरा रवैया तहकीर आमेज होता है? आज की दुआ बहुत खूबसूरत है, तर्जुमा है, ऐ अल्लाह बेशक मैं तेरी पनाह मांगता हूँ तेरी नेमतों के जवाल से, तेरी अता करदा आफियत के बदल जाने से और तेरी सजा के अचानक वारिद हो जाने से और तेरी हर किस्म की नाराजगी से। आमीन सुम्मा आमीन। जज़ाकुमुल्लाह खैरन कसीर साथियों, इंशाल्लाह कल मिलेंगे। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। जज़ाकल्लाहु खैरन कसीर प्यारी तैयबा जी। अब हमारी प्यारी बहन शफक अदनान जी का तारुफ है और उसके बाद वो दुआ करवाएंगे। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। मैं शफक अदनान कोपेनहेगन हल्के से हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह मेरी जो जिम्मेदारी है वो मैं इस वक्त कोपेनहेगन हूँ। इसके अलावा मेरा जो तारुफ है वो ये है कि मैं, मेरे चार बच्चे हैं, दो बेटे और दो बेटियां। मैं हल्के में कप सवालात के मैं जवाब देती हूँ। मैं हल्के में कप से जुड़ी थी और कप शामिल हुई। अल्हम्दुलिल्लाह मैं जब तकरीबन 2009 और 10 के दरमियान जो है ना वो उस वक्त हल्के से जुड़ी थी। अपने बच्चों के लिए बस मस्जिद में कोई ना कोई मतलब ढूंढ रही थी कि कहीं ना कहीं मैं इनके लिए कुरान पाक की मतलब उनको हिफ्स करवाना था। तो उनको ढूंढते ढूंढते फिर मेरी मुलाकात राहत जी से हो गई, तो फिर उन्होंने मुझे हल्के का तारुफ दिया। तो उस वक्त जब मैं शामिल हुई तो काफ़ी मस्जिदों में मैं जा चुकी थी, तो लेकिन जब मैं इनके साथ शामिल हुई तो फिर मुझे अंदाज़ा हुआ कि यहाँ पे मुझे सबसे पहले अपनी तरबियत करनी है ना। तो उस वक्त से अल्हम्दुलिल्लाह मैं जुड़ी हुई हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह ये भी है कि मैं पहले 1.5 साल तकरीबन पहले मैंने काम किया था और उसके बाद फिर मैं पाकिस्तान शिफ्ट हो गई थी। पाकिस्तान में जाके तो फिर मैं हल्के से उस तरह से जुड़ी रही कि मैं कारवां के लिए काम करती रही रुमाना जी के साथ। और उसके बाद फिर जब मैं पाकिस्तान से वापस आई तो फिर मैंने मतलब उस वक्त नूर स्कूल की मुझे निगरान बना दिया गया और उसके बाद 1.5 साल मैंने तकरीबन नूर स्कूल की निगरान की हैसियत से काम किया।
उसके बाद फिर मुझे कोपेनहेगन की नाजमा मैं बन गई। 2 साल मैंने उसमें काम किया और अब मैं कोपेनहेगन की मामन हूँ नाजमा के साथ। हल्के के साथ दूसरा सवाल यह है कि हल्के के साथ जुड़कर मैंने अपनी अमली जिंदगी में क्या तब्दीली आई मेरी जिंदगी में। तो मैं ये अल्हम्दुलिल्लाह इकरार करती हूँ इस बात का कि हल्के के साथ मिल के मैंने, आपको पहले भी बताया कि मैंने बहुत सारी मस्जिदों में जाके देखा भी, और अल्हम्दुलिल्लाह सब जगहों पे काम बहुत अच्छा होता है और तरबियत का भी बहुत अच्छा इंतज़ाम होता है। लेकिन यहाँ पे आके जो चीज़ मुझे समझ आई, जब पहली बार मैं जुड़ी थी इसके इनके साथ 2009 में, तो जब मैंने उस वक्त ही सबसे पहले इन्होंने मुझे दर्स तैयार करने का कहा, तो मुझे उस वक्त भी, हम उस वक्त याहू में करते थे काम, तो उस वक्त मुझे यही था कि मैं कैसे कर सकती हूँ ये काम ना। तो लेकिन फिर राहत जी ने मेरा ये हौसला बढ़ाया और उन्होंने मुझे कहा कि आप करो, तो फिर मैंने दर्स तैयार किया। और दर्स तैयार करते वक्त फिर मुझे समझ आई कि वाकई इंसान जब खुद इस चीज में काम करता है तो उसकी फिर खुद ही तरबियत भी साथ साथ होती है, और ये सिलसिला फिर अल्हम्दुलिल्लाह जारी और सारी रहा। और तब्दीलियाँ अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ज्यादा आई, और सबसे बड़ी तब्दीली जो मेरे अंदर आई है वो ये है कि मुझे समझ आती है कि सबसे पहले इंसान को अपनी ज़ात को देखना होता है कि उसके अपनी ज़ात के अंदर कौन सी हामी है, जो कि अगर हम नहीं देखेंगे तो उस वक्त तक हम अपनी इस्लाह नहीं कर सकते। और ये सबसे मैं सबके सामने इकरार करती हूँ कि ये सब कुछ मुझे हल्के ने ही बताया है कि हमें सबसे पहले अपने आप को देखना है कि हमारे अंदर क्या कमी है, और उस चीज को फिर हमने सही करना है। मुख्तलिफ मौक़ों पे हमने ये नहीं कि हल्के के जो सीनियर साथी हैं वो, लेकिन हमारे जो जूनियर साथी हैं वो भी हमें काफ़ी चीज़ें सिखा जाते हैं कि आपके अंदर क्या है और आपने किस चीज़ को बेहतर बनाना है। अल्हम्दुलिल्लाह ये चीज़ मुझे हल्के की बहुत अच्छी लगी है ना। तीसरा सवाल ये है कि सीरत की हमारी ज़िंदगी में क्या अहमियत है और हमें क्या करना चाहिए हम नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत को ज़्यादा से ज़्यादा अपना सकें। सीरत के लिए तो मैं यही कहूँगी कि हमें तो सबसे पहले सीरत का मुतालिया करना चाहिए, जो कि हम नहीं करते, और हमें जो ज़ाहरी काफ़ी चीज़ें हैं, जो मोटी मोटी चीज़ें हैं, उनका पता होता है, लेकिन वही उन्हीं चीज़ों को लेके फिर हम बैठ जाते हैं और वही चीज़ मतलब अपनाना शुरू कर देते हैं। वो भी अपनानी चाहिए ज़ाहिर बात है, लेकिन सीरत को देखा जाए तो वो उसमें बहुत सारी ज़िंदगी के बहुत ऐसे मामलात आते हैं जिनको हम समझते ही नहीं हैं, और फिर जब हम उनको नहीं समझते हैं तो फिर हम अपनी ज़िंदगी में एक अहम फैसले जो करते हैं या कोई अमल करते हैं या अपनी तरबियत करनी होती है, अपने बच्चों की तरबियत करनी होती है, अपने शोहर के साथ के मामलात होते हैं, अपने हमसायों के साथ के मामलात होते हैं, वो सारे अपने रिश्तेदारों के साथ के मामलात होते हैं, वो सारे फिर हम इग्नोर कर देते हैं, और वहीं से फिर हमारी जो मतलब कह लें कि हमारी आयली जिंदगी कह लें, हमारी खानदानी जिंदगी कह लें, हमारी माशरती जिंदगी कह लें, वो फिर असरअंदाज होती है। तो ये है कि हमें सीरत का मुतालिया जो है ना वो करना चाहिए, और ये नहीं है कि एक दो टॉपिक पे या एक दो चीज़ें बस हमें देखनी चाहिए कि हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी में ये था, वो ये काम करते थे, बल्कि ये है कि हमें उनकी हर ज़िंदगी के हर पहलू को देखना चाहिए कि उन्होंने ज़िंदगी के किस किस काम के लिए क्या क्या इकदाम किए ना। तो ये चीज़ें फिर हमें मतलब हमारे मुसलमानों के अंदर, हमारे अंदर बहुत ज़्यादा कमी है जिसको हमें ये समझना चाहिए, क्योंकि ये हकीकत है कि जब हम किसी मकसद को हासिल करने के लिए कोई काम करते हैं तो कामयाबी ये नहीं होती है कि हम इस कामयाबी को हासिल करने के लिए हम मेहनत कितनी करते हैं,
बल्कि कामयाबी इससे भी होती है कि हम काम किस अंदाज से करें। और सबसे अच्छा अंदाज जो है ना वो हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का है, और उसके लिए तो फिर जाहिर है कि सीरत को समझना, उसका इलम हासिल करना वो बहुत ज्यादा जरूरी है। बस मैं यही कहूंगी और उसके बाद मैं दुआ करवाती हूँ। आउज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा जालनी सबूरा, ए अल्लाह तू मुझे इंतहाई साबर बना दे। वजअलनी शकूरा, और मुझे बहुत ज्यादा शुक्र गुजार बना दे। वजअलनी फी ऐनिन सगीरा, और मुझे अपनी अपनी नगाहों में हकीर बना दे। वफी आयुनिन नासी कबीरा, और मुझे लोगों की नगाहों में बड़ा बना दे। अल्लाहुम्मा अख्फिसनी बिल इस्लामी काइमा, ए अल्लाह मुझे उठते सॉरी अल्लाहुम्मा अख्फिसनी बिल इस्लामी काइमा, वफ़सनी बिल इस्लामी काइदा, वफ़सनी बिल इस्लामी राकिदा, वला तुश्मित बी अदुवन हासिदा। ए अल्लाह मुझे उठते बैठते सोते जागते हर हालत में इस्लाम पर कायम रख, और किसी दुश्मन और हसद करने वाले को मुझ पर हंसने का मौका ना दे। अल्लाह अल्लाहुम्मा फिरली वरहमनी वहदेनी व आफेनी वरजुकनी। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मद व आलि मोहम्मद कमा सल्लैत अला इब्राहीम व आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मोहम्मद व आलि मोहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। आमीन सुम्मा आमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।